जुड़े हुए हैं। हाँ, सभी मंजू दीदी के शिष्य हैं और सभी ने चारू दीदी से भक्तांबर जी पढ़ना सीखा। अच्छा। हाँ, और हम सब ने रेकी भी चारू दीदी से ही सीखी है। अच्छा, बहुत अच्छा है बेटे। अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अंजलि, मैंने अभी सियाटल के प्रेसिडेंट से बात की है अमेरिका में, जी और वो बड़े खुश हुए हैं कि हमने शुरू कर रहे हैं हम अपना दूसरा सेंटर यहाँ पे। जी तो वो शायद मुझे अगले वीक तक बताएंगे जी कि हम एक और सेंटर शुरू कर सकते हैं या हम उनको अपने साथ वैंकूवर के साथ ही जोड़ के एक साथ आपका ये हीलिंग का जो आप ज्ञान देंगी वो हम एक साथ वो ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां पे करीब 450 फैमिली हैं। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी हमारी सफलता होगी कि यदि हमारा वो तैयार हो गए। और तो करीब आप 550 फैमिली को इस हीलिंग का फायदा दे पाएंगी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अभी बस मैं 5 मिनट पहले ही मैंने उनको फोन किया था तो उनका फोन आ गया मेरे पास जी। और उन्होंने ये बोला है कि मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करके हम जल्दी शुरू करा देंगे। तो हो सकता है 2 वीक में या देखते हैं, होपफुली भगवान का नाम लेके हम बस उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर उन एक ही लोगों टाइम पे एक ही समय पे रखेंगे और जी। वो जो नंबर जो अपना जो एक ही समय पे दोनों ही सेंटर उसका फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अब ये भगवान से प्रार्थना करिए कि ये अच्छा हो जाए तो बहुत मजा आएगा। और वहां पे बड़े ज्ञानी लोग हैं और बड़े धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं सियाटल में, तो बहुत हमारे लिए एक अच्छी चीज। और मंजू जी को बहुत बड़ी खुशी होगी इस बात। हमारा टाइम जोन भी सेम है तो हम साथ में जाएंगे। सेम ही टाइम से होने, तो उनसे भी बात की है मैंने। पोर्टलैंड वालों से भी बात की है। अरे जो पोर्टलैंड में जो अर्पणा है वो मंजू जी की शिष्य है, तो वो अभी कराती है। तो मेरा प्रश्न ये होगा कि हम सब जुड़ के ना एक साथ पूरा एक ग्रुप बन जाएगा जी, तो जी। सभी के लिए सभी को लाभ होगा इसका, और सभी अपने धर्म का भी लाभ है और सभी को पर्सनल लाभ भी होगा। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी यदि होता है। बहुत तो, हाँ। जी तो हम शुरू करेंगे अपना आज का। जी 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 एक मिनट में अंजलि चारू दीदी और वर्षा दीदी ज्वाइन कर चुकी है। हाँ, मैं इनका एक बार इंट्रो करा देती हूँ। चारू दीदी को मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हाँ जी, चारू दीदी जय जिन इंद्र सभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे एक करके पूरा विश्व इस भक्तामर से जुड़ रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि पूरे विश्व को आपने एक करने का जो प्रयत्न किया है। अंजलि जी को, राजीव भैया को, बहुत बहुत सभी जितने भी यहाँ पे हीलर जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत बधाई पूरे ग्लोबल भक्तामर की ओर से। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आदरणीय चारू दीदी हम सबके गुरु हैं। हमने इन्हीं से भक्तांबर जी की हीलिंग सीखी है, भक्तांबर जी पढ़ना सीखा है और दीदी से रेकी भी सीखी है। दीदी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और दीदी का जो इतना सौम्य स्वभाव है। अंजलि जी, अब रेकी ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो गई, आप लोग को ग्रैंड मास्टर बना के ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो बिल्कुल। वर्षा दीदी, हाँ मैं कर रहा हूँ स्पॉटलाइट। हाँ 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 दीदी आ रही, वर्षा दीदी आ रही। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र,
जय जिनेन्द्र दीदी, ये हमारी वर्षा दीदी हैं, ये भोपाल में सीनियर आर्किटेक्ट हैं, और हमारे को जो दिल्ली में हमने भक्तांबर जी चारू दीदी के सेशन में सीखा, तो उसके अंदर हमने वर्षा दीदी से बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। ये भी बहुत अच्छा सब भक्तांबर जी पढ़ना सिखाती हैं, और भी बहुत अच्छी बातें हमने वर्षा दीदी से सीखी है। अंजलि जी, आप इतना अच्छा कर रहे हो, और मैं हम लोग तो चाहते हैं कि मंजू दीदी का जो सपना है वो पूरा हो जाए, कि हर व्यक्ति को भी अपनी स्वयं हीलिंग करनी आ जाए, कोई इधर उधर ना भटके, और जो सीखना चाहता वो पूरा सीखे, अल्टरनेट मेडिसिन की तरह ये काम आ जाए। हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, कितनी सारी पैथियां करते हैं, तो ये हमारी एक धार्मिक पैथी भी है, जो कि हमारा मानसिक और शारीरिक पारिवारिक हर तरह की चिंताओं से हमें निजात दिलाता है। जब कहीं कोई याद नहीं आता तो हमें अपने प्रभु याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं बस। उस तो आप देखिए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो बाहर खड़े रहते हैं उससे भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान अब आपने नहीं आया है, तो उस समय जो धार्मिक संबल हमें मिलता है, मैंने खुद महसूस किया है। जी, और मैंने भी ये सब चीज चारू दीदी से ही सीखी है। मंजू दीदी ऑब्वियसली हायरार्की के टॉप मोस्ट पे थी, पर चारू दीदी से ही सीखी है। चारू दीदी ने ही हमको कूल काम कैसे रहना है, क्या करना है, सारा चीज सिखाया है। तो चारू दीदी को तो हम बहुत बहुत नमन करते हैं, और उन्हीं के कारण आज ग्लोबल भक्तांबर के बहुत सारे हीलर्स आ गए हैं, बहुत सारे हीलिंग हीलर्स बन गए हैं। ये हम सब जो भी दिख रहे हैं कि एकता जी, वैशाली जी, और जो भी सभी लोग हैं, शिखा जी, ये सब हम सब चारू दीदी के ही शिष्य हैं। यदि किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मंजू दीदी हैं, तो हेड चारू दीदी हैं हमारी, वो ही संभाल रहे हैं हम उन्हीं के पैर। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो चारू दीदी का पल्लू पकड़ कर ही आगे बढ़ती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने शायद सभी हीलर्स को ये सिखाया है कि एक गुरु का पल्लू आप पकड़ लो तो फिर बस कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रियंका जैन जी है कोलकाता से, ये भी हमारे भक्तांबर ऊर्जा केंद्र की बहुत अच्छी हीलर है, बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत कम बोलती है लेकिन हीलिंग बहुत अच्छी देती है। ये मुस्कुराती ज्यादा है और बातें कम करती है। आप उनको स्पॉटलाइट दे लो। प्रियंका जी, अब हम आज का अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए सबसे पहले प्रभु का नाम बहुत जरूरी है। तो प्याम नमः त्रिभुवनार्ती हराय नाथ, तो प्याम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तो प्याम नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तो प्याम नमो जिन भवो दधिशोषणाय। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी का भक्तांबर ऊर्जा केंद्र दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैन सेंटर बीसी कनाडा वैंकूवर से जुड़ रहे हैं, जहां हम अपना भक्तांबर ऊर्जा केंद्र का दूसरा हीलिंग सेंटर आज खोलने जा रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट आदरणीय श्री विजय जैन जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और इनसे अनुरोध करती हूँ कि आप आए और दो शब्द कहें। आदरणीय विजय जैन जी, प्रेसिडेंट ऑफ जैन सेंटर बीसी वैंकूवर कनाडा। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। आज सभी भाइयों को जो मुझसे जुड़ रहे हैं, हमारे सेंटर से जुड़ रहे हैं,
उन देश विदेश में जो भी भाई बहन है सबको मैं जय जिनेंद्र कहता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। और मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम मंजू जी के साथ और मंजू जी के अलावा भक्तांबर जिसकी महिमा इतनी बड़ी है उसको हम उसका प्रभाव हमको मालूम पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे हीलर्स हैं और स्पेशली डॉक्टर चारू जैन जी उनको मैं नमन करता हूँ अपना समय देने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना दीप प्रज्वलन करें और हमको अपनी भाव प्रकट करने का मौका दें। थैंक यू। अंजलि जी हाँ करें चारू जी को करें स्पॉटलाइट। दीप से दीप जला के चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दुखी सबको गले लगाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। चारू दी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चारू दी आज आप अल्प श्रोतम वाला इसमें सुना दीजिए हमें श्लोक का। किल मधौ मधुरं विरौति चारु कलिका निकरैकहेतु चारु कलिका निकरैकहेतु। हे आदिनाथ प्रभु हे दिनेन्द्रदेव आपके गुणों के कारण ही आपकी भक्ति के कारण ही हम सारे भक्त इस पूरे विश्व में आज आपके स्तोत्र की महिमा को पहचान दिलवा रहे हैं। प्रभु हमें इतनी भक्ति तो नहीं है प्रभु, हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि हम पूरे विश्व में इस अद्भुत स्तोत्र को पहुंचा सके, किंतु प्रभु हमें पता है कि आपकी भक्ति का सहारा जिसने पूरे विश्व में पूरे यूरोपियन कंट्रीज में पूरे कमल स्रोत की महिमा को चाहे वो जैन हो या अजैन हो हर मनुष्य के जीवन तक पहुंचा सके ऐसी शक्ति सभी को देखना। जी मैं आदरणीय दीदी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि दीदी हमें भक्तांबर जी के विषय में इसकी हीलिंग के विषय में हम सभी को कुछ अपने मुखारविंद से उसकी महिमा का बखान करें और किस तरीके से ये जो भक्तांबर जी है हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन ला सके। सभी को पहले जय जिनेंद्र और बहुत बहुत बधाइयां कि आप सभी आज भले ही वर्चुअल रूप से लेकिन कनाडा तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई सिर्फ आपको आपकी भक्ति के कारण ही मिल रही है, क्योंकि इसकी शक्ति तो अभी जो भी हीलर्स जुड़े हुए हैं हमारे इंडिया से जो भी हीलर्स जुड़े हैं जो पहले से जुड़े हैं वो तो शक्तियों को पहचान ही रहे हैं, और जो नए जुड़े हैं वो इसी चीज से समझ जाएं कि
ना कोई आपका कभी कनेक्शन था, ना एक दूसरे से जान पहचान थी, लेकिन कैसे जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, ये जो आज यहाँ पर जुड़े हैं वो स्वयं ही इस चीज को महसूस कहीं ना कहीं कर पाएंगे जब वो आगे के सेशंस में आएंगे कि हम कैसे जुड़ गए। हमें तो कुछ भी नहीं पता था अंजलि जी के बारे में या चारू जी के बारे में या जो राजीव भैया या जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं था, कैसे हमें कनेक्शन मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपके सभी के पुण्य का उदय है जो आप प्रभु की भक्ति के इस सेशन में जुड़ने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है। और भक्तामर स्त्रोत्र की महिमा तो शायद शब्द ही कम पड़ जाए कि उसके बारे में कुछ बताया जा सके, क्योंकि फिर भी कुछ प्रयास हम सभी हीलर्स करते हैं कि आप सब तक जो नए लोग हैं उन तक पहुंचा सके उन चीजों को। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अभी मैंने पढ़ा, एक श्लोक पढ़ा, तो आपने ऐसे सुना होगा कि वाइब्रेशंस, ये सब जानते हैं वाइब्रेशंस होती हैं, ये चीजें होती हैं, साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड का नाम तो शायद एक छोटा बच्चा भी जानता होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम तो हर छोटा बच्चा भी जानता है। आज अल्ट्रासाउंड क्या है? जब हम ध्वनि तरंगों को, साउंड वाइब्रेशंस को एक निश्चित अवधि में कई बारी उसे वाइब्रेट करते हैं, कई बारी उसे चक्कर घुमाते हैं उसका, तो वो इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो एक हीरे को भी छेद कर सकती है, हीरे में जो कि एकदम कठोर होता है उसमें भी छेद कर सकती है। हम मनुष्य के शरीर की बात नहीं कर रहे, उसमें तो एक नॉर्मल सा चाकू भी छेद कर सकता है ना, हीरे को भी छेद सकती है वो अल्ट्रासोनिक रेज। तो और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक के कारण आज बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड से पता चलती है, उन वेव से, सिर्फ उन तरंगों से पता चल जाती है। तो वो क्या है, साउंड की ही तरंगे हैं। तो जब हम भक्तामर पढ़ते हैं, हमारे शरीर में जो 7 चक्रास होते हैं, तो वो चक्र में सब में एक कुछ अपनी एक आकृति होती है, पेटल्स होती हैं, उन सब पेटल्स में, सारी पंखुड़ियों में एक एक अक्षर लिखे होते हैं जिन्हें हम बीज अक्षर बोलते हैं, एक एक अक्षर लिखे होते हैं। और जब हम एक निश्चित अवधि में, एक लगातार आपसे बोला जाता है आप 9 टाइम्स पढ़िए, 18 टाइम्स पढ़िए, 27 टाइम्स पढ़िए या 108 टाइम्स पढ़िए इस श्लोक को या इस पर्टिकुलर काव्य को या इस मंत्र को, तो आप जब लगातार 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 उसे पढ़ते हैं तो जो आपके शरीर के चक्र में जो पेटल्स रहती हैं और जो चक्रास रहते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं। उसकी चक्र की पहले पेटल्स वाइब्रेट होती हैं, फिर वो चक्र वाइब्रेट होने लगता है, और जो भी असंतुलन आपके जीवन में आया है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, शारीरिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वो जब वो वाइब्रेशंस लगातार होते रहते हैं आपके शरीर के चक्रास के भीतर जो इम्बैलेंस हो गए थे। उसकी वीडियो ऑफ हो गया आपका, एक मिनट, ओके। तो जो इम्बैलेंस हुए थे हमारे चक्रास, जो इम्बैलेंस हुए थी हमारे वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी जो कहीं ना कहीं लो हुई थी, जब हम पर्टिकुलर उस काव्य को पढ़ना शुरू करते हैं, उस श्लोक या मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो वापस से अपनी एनर्जी गेन करने लग जाता है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम तो ठीक होती ही होती है, 101% वो ठीक होती है। और उसके साथ जो हमें पता भी नहीं कि ये भी ठीक हो सकता है या ये भी ठीक हो सकता है, वो भी चीजें उसके द्वारा ठीक हो जाती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही होती है कि आप बहुत विकल्पों के साथ ना करें, एकदम बालक के समान भक्ति करें, बालक के समान कि हमें अब ये एक सॉल्यूशन मिल गया है। जैसे आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, नए नए डॉक्टर चेंज करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो नए नए डॉक्टर मत चेंज करिए। आपको पता चल गया कि अभी एक डॉक्टर मिल गया है, हमें तो बस इस पर ही आग बंद करके भरोसा करना है, बाकी तो जो हमारा चल रहा है सिस्टम वो चल रहा है, लेकिन अब और कोई सलूशन नहीं नजर आ रहा और हमें सिर्फ इस पर ही भरोसा करना है। और जब आप उसको आंखें बंद करके भरोसा करते हो ना, पूरे समर्पण के साथ भरोसा करते हैं, तो वो चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। ये कोई जादू टोना नहीं होता कि आपने छड़ी घुमाई और कारे हो गए। जब आप
चमत्कार कैसे होते हैं, जादू जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, है ना, और चमत्कार जो होते हैं वो स्वतः घटित होते हैं, चमत्कार कभी दिखाए नहीं जा सकते, आपसे नहीं कहा जा सकता कि ये हम अभी देखो कर रहे हैं और ये हो गया, ये हो जाएगा, तो ये जादू हो गया। और चमत्कार जो होते हैं वो घटित होते हैं, वो स्वतः हो जाते हैं, उसे अपने आप जब वो एक निश्चित वाइब्रेशंस पे पहुंचती है हमारी भक्ति, हमारी साउंड वाइब्रेशन एक निश्चित उस पर पहुंचती है, तो अपने आप वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे दिन होता है, सूर्य निकल जाता है, दिन हो जाता है, रात हो जाती है, उसके लिए कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल पावर है एक, उसके लिए कोई मशीन, कोई नहीं चलाता मशीन। बहुत सारे भले ही कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया में पड़े हुए हैं, सब अपना अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, एक अच्छा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो सूर्य निकलने की बात है, चंद्रमा निकलने की, दिन रात होना, मौसम का चेंज होना, हवा का बहना, बारिश का होना, ये कैसे हो रहा है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं करवा रहे, कोई वैज्ञानिक नहीं करवा सकता इस, कि वो जब चाहे जब दिन करवा दे, जब चाहे जब रात करवा दे। तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहाँ बैठा हुआ है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये जो यूनिवर्स है, ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। तो जब आप अपना कनेक्शन डायरेक्ट उससे बना लेते हैं, डायरेक्ट उससे बनाते हैं, तो वो आपकी जो भी समस्याएं होती है ना, वो अपने आप धीरे 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 करके हल होनी शुरू हो जाती है। एक सेकेंड रुकिएगा, तो अपने आप समस्याएं आपकी हल होनी शुरू होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक समस्या के लिए प्रभु के सामने वो काव्य करने बैठे थे, उनकी भक्ति करने बैठे थे, और आपकी जो 10 समस्याएं और थी, आपने सोचा था इसके बाद ये वाली करेंगे, इसके बाद ये वाली करेंगे। यदि आप सच्ची भक्ति के साथ कर रहे हैं तो वो 10 समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे जितने हीलर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जितने सारे लोग ये इंडिया से जुड़े हैं या और जगह से भी जुड़े हुए हैं, कुमी आंटी हैं जो यूएस से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में ये परिवर्तन पिछले 1.5-2 सालों में देख लिया है, इसीलिए वो आज यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जुड़ सके। तो जब हम कहते हैं कि आप आंखें बंद करके जब मैन मेड चीजों पर भरोसा कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम पर, जो घर में आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है उस पर जब आग बंद करके भरोसा करते हैं, जबकि वो मैन मेड है, तो उस मनुष्य को किसने बनाया है, ईश्वर ने। तो एक बार उस ईश्वर पर, उसकी भक्ति पर भरोसा करके देखिए कि जिस मनुष्य को इस ईश्वर ने बनाया है ना, वो उससे बड़ा सुपर पावर है। उस पर भरोसा करके देखिए, उससे अपने तार जोड़ करके देखिए बस, है ना। एक बार आपके तार उनसे जुड़ गए तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मिरेकल्स कहे तो मिरेकल्स के लिए अभी यहाँ पर टाइम नहीं है, और भरे पड़े हैं मिरेकल्स तो, कि बताते बताते शायद 2-3 दिन, 2-4 महीने भी निकल जाए तो कम नहीं पड़ेंगे, जो सिर्फ अभी रिसेंटली हुए हैं लोगों के जीवन में। एक एक मुझे एकदम, मैं गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि एक एक हीलर जो जुड़ा हुआ है यहाँ पहले से, वो सिर्फ अकेला वो 3 दिन तक अपने साथ हुई घटनाओं को बता सकता है। एकदम गारंटी है ये कि 3 दिन तक लगातार वो सिर्फ अपने साथ हुई घटनाओं को बता सकता है। तो इसलिए आप लोग जो भी नए जुड़े हैं, पूरे भक्ति के साथ जुड़िए। और आप ये मत सोचिए कि अभी हम नहीं जुड़ पा रहे, हम अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, आपको ऑफिस जाना है या घर के और काम है, आप जुड़िए जरूर सेशन में, भले ही अपना वीडियो ऑफ करिए, लेकिन आपके घर में वो साउंड वाइब्रेशंस जाएंगी ना, अभी जो हीलिंग वाला चलेगा, श्लोकास चलेंगे, मंत्रास चलेंगे, आपके घर में ही सिर्फ वो साउंड वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी, तो आप देखेंगे उसका कितना प्रभाव आपके घर में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और जरूर जुड़े। ये नहीं कि सिर्फ आज इनॉग्रेशन था तो आप जुड़ गए और कल से टाइम होगा तो जुड़ेंगे, नहीं टाइम होगा तो नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो सभी लोग जुड़े जरूर, क्योंकि जुड़ने के बाद आप सिर्फ मेरे कहने से आप 1 हफ्ते 7 days आप एक इसका टेस्ट करके देख लीजिए, जैसे लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, वैसे 7 days टेस्ट करके देखिए कि आपके घर की साउंड वाइब्रेशन, आपके घर की एनर्जी में चेंज आता है या नहीं आता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पर खोलिए और बस रख दीजिए कि ठीक है अभी ये
चल रहा है और अगर मुझे समय है तो मैं वीडियो ऑन करके बैठी हूँ, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने घर में ब्लूटूथ स्पीकर से उसे सेट कर दिया जिससे पूरे घर में साउंड वाइब्रेशंस जाए। हमारी वर्षा जी है, इनकी तो पूरी कॉलोनी में, ये तो अपने ब्लूटूथ स्पीकर से सुबह वाला सेशन जोड़ देती है, पूरी इनके अगल बगल के घर में भी पूरी आवाजें जाती हैं सुबह सुबह, और वो लोग खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने चेंजेस आ गए। सिर्फ एक अकेली वर्षा जी ने इतने लोगों के घरों में चेंजेस ला दिए, तो आप सब भी वो चीजें ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और अब आप आगे का सेशन अपना स्टार्ट कर, शायद गुरुदेव भी आने वाले होंगे जी। अंजना जी, डॉली जी, मंगलाचरण के लिए उनको इनवाइट कीजिए जी। अब नेक्स्ट हम मंगलाचरण करेंगे क्योंकि भगवान का नाम लेके ही सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ से वैंकूवर से डॉली जैन, जिनका नाम शोभा जैन भी है, वो आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू यू डॉली। जय जय सभी को, और मैं मंगलाचरण की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। नमो अरिहंतारम, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो आयरियारम, ओम नमो उवझायारम, ओम नमो लोयसव्यसाउरम। अरिहंत सिद्ध बंदो सदा आचार्य उपाध्याय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्हें सहु लोक के मुनि राय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्हें सहु लोक के मुनि राय जी। अरिहंत सिद्ध बंदो सदा आचार्य उपाध्याय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्हें सहु लोक के मुनि राय जी। आदि प्रभु 24 जिन महावीर भगवान जी, आदि प्रभु 24 जिन महावीर भगवान जी, 16 सति प्रण मो सदार 20 विरह मान जी, ज्ञान ही गढ़ दर गणपति, ज्ञान ही गढ़ दर गणपति, गौतम के लागू पाए जी, तारण तिरण शरी सतगुर को वंदो शीश नवाए जी, वंदो शीश नवाए जी। जिन धर्म की महिमा बढ़े शासन की जय जयकार हो, जिन धर्म की महिमा बढ़े शासन की जय जयकार हो, श्री संघ में हो संप और घर घर में मंगलाचार हो, श्री संघ में हो संप और घर घर में मंगलाचार हो, आनंद में दिन हो प्रभु, आनंद में दिन में हो प्रभु, विचरो अबे सुविनीत हो, सुख संपदा वैभव मिले और पग पग में सबकी जीत हो, सुख संपदा वैभव मिले और पग पग में सबकी जीत हो। अरहंत सिद्ध बंदो सदा आचार्य उपाध्याय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्हें सहु लोक के मुनि राय जी, त्रिकाल वंदन हो तुम्हें सहु लोक के मुनि राय जी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर। अंजलि जी आप म्यूट पे हो। आप म्यूट पे हैं अंजलि जी। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण डॉली जी, बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में आचार्य श्री प्रणाम सागर जी बस एक मिनट में जुड़ने ही वाले हैं। आचार्य श्री जो हैं उनको भक्तांबर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हमारी ग्लोबल मदर है ना, इसी तरह से ग्लोबल मदर ने भी भक्तांबर चारों तरफ फैलाया, और आचार्य श्री में भी भक्तांबर की महिमा को चारों तरफ फैलाया है। ग्लोबल मदर
ग्लोबल मदर ने अपने तरीके से फैलाया है, आचार्य प्रणव ठाकुर महाराज ने अपने तरीके से इस भक्तांबर को चारों तरफ फैलाया है, जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जी जी जी, बस वो आचार्य जी बस जुड़ ही रहे हैं हमसे। आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस सेशन में जुड़ेंगे और भक्तांबर जी से लाभ प्राप्त करेंगे। और बता दीजिए सेशन किस किस दिन चलेगा और इसके टाइमिंग्स इंडिया के हिसाब से और बाहर के हिसाब से क्या रहेंगे? हाँ दीदी, वो हमने सब बता दिया था, फिर भी एवरी संडे, मतलब आपके कैनेडा के हिसाब से एवरी संडे रात को 8 बजे से 9 बजे तक, और हमारा इंडिया के हिसाब से सुबह 8:30 रहेगा। ऑन मंडे ना, मंडे रहेगा इंडिया में, हमारा इंडिया का मंडे, और वैंकूवर का या जो भी कोई उधर से जुड़ेंगे उनका संडे 8 PM। और थोड़े टाइम बाद हम देख लेंगे, अगर सब लोगों को जैसे सहूलियत रहेगी तो हम सैटरडे भी कर सकते हैं, वीक में 2 दिन भी हम इस सेशन को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे लोगों की सभी की अनुकूलता रहेगी उस हिसाब से अभी केवल एक ही दिन का रखेंगे, और भगवान ने चाहा तो अगर सब लोगों की इच्छा रहेगी तो 3 दिन 4 दिन सुबह का भी हम कर सकते हैं, सुबह 6 बजे का या 7 बजे का, जैसे सहूलियत सबको रहेगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें, जो जितने ज्यादा इसका लाभ प्राप्त करना चाहेगा उतना अच्छा रहे। डॉली जी, अंजलि जी, जरा अंजना जी के बारे में भी बता दें कुछ। जी 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 जी, अंजना जी, जो अंजलि जी, गुरुदेव आ गए। जी गुरुदेव आ गए हैं। मैं बोलता हूँ, अंजलि जी स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरुदेव को। किस नाम से है सर? मैं दीदी भक्त, हाँ मैं भक्तांबर वाले बाबा के नाम से हूँ मैं। हाँ मैं देख रही हूँ। आप हैंडलेस करें पुरवर, आप हैंडलेस करें जिससे कि आपको स्पॉटलाइट कर सकें। जी वर्षा जी, किस नाम से नमोस्तु जी। हाँ बिल्कुल साता है। नमस्तु महाराज जी, 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 नमस्तु आप निवेदन करें गुरुदेव से क्या कि आप म्यूट है अंजलि जी, आप प्लीज सब चुप हो जाइए। गुरुदेव हम सभी की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी को भक्तामर स्तोत्र की इस अचिंत्य महिमा के बारे में, इस अजस्त्र धारा जो पूरे विश्व में बह रही है उसमें स्नान करवाएं, और इस अचिंत्य, इसकी भक्ति और शक्ति के बारे में हम सभी को परिचित करवाएं,
ऐसा हम सभी की ओर से आपसे निवेदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। सबके लिए सबसे पहले हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो लोग भारत के बाहर रहने के बाद भी भारत क्षेत्र के बारे में भारत भूमि से जुड़ने के लिए लालायित हैं, क्योंकि भारत कहो या भारत कहो या अक्तमर कहो, तीनों की राशि एक है। यदि हम विदेश में सुरक्षित हैं तो भारत के भक्तामर के प्रभाव से सुरक्षित हैं, क्योंकि भा जो है अपने आप में ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। और आज पूरे भारत देश में नमोकार के साथ साथ भक्तामर का पाठ किया जा रहा है। इसमें ना तो कोई दिगंबर है, ना स्वयंबर है, स्थानकवासी ना कोई है, ना मूर्ति पूजक है। यहाँ सिर्फ हम जैनत्व के साथ साथ अपने अंदर की आत्मा को अमर बनाना चाहते हैं, और अमर बनाने के लिए मानतों का आचार्य ने इसका नाम रखा भक्तामर। क्योंकि जो सच्चा भक्त है, ऐसा हमारे जैन आगम में लिखा है कि जो संयम को धारण कर लेता है, जिनके हाथों में पीछे आ जाती है, वो नमो लोए सावणम हो जाता है, नमो वच्छायणम हो जाता है, नमो आयरियाणम हो जाता है। और जब नमो आयरियाणम नमो वच्छायणम नमो लोए सावणम हो जाता है तो वह अनादि अनिधन हो जाता है, उसका अनादि निधन फिर कभी नहीं होता है। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज ये मोबाइल नहीं होता, यदि जूम नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो आप घर बैठे इस समय आचार परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। और जब हम प्रातः काल आचार परमेश्वर के दर्शन करते हैं तो ऐसा मानिए कि आपके अब अनादि अनिधन का समय आ चुका है। अब आपका अनादि काल से छुटकारा पाने का समय आपके बीच में है। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस भक्तामर का शुभारंभ भगवान बनने के लिए नहीं किया, पहले कहा भक्त बनो, भक्ति करो। भक्ति कैसे करो? सम्यक प्रणम्य जिनि पाद युगम युगादा। भक्ति कैसे करो? मिथ्यात्व के साथ नहीं करना, दिखावे के लिए नहीं करना। अभी आप लोग पूरे भारत देश में रेकी दे रहे हैं, भक्तामर हीलिंग दे रहे हैं। तो हीलिंग क्या है? सम्यक प्रणम्य जिनि पाद युगम युगादा। हीलिंग कहां पर है? हील में, एडी को हील कहा है ना, एडी को हील कहा है। तो यहाँ पर क्या रखा है? सम्यक प्रणम्य, कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किसे प्रणाम कर रहा हूँ? हील को, पैरों को प्रणाम कर रहा हूँ। जब चरणों को प्रणाम किया जाता है, अपने आप उसका परिणाम दिखने लगता है। क्योंकि तो बच्चे छोटे होते हैं, और छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जब गर्भ में होता है उसका सिर नीचे होता है कि बेटा इस संसार में आना, सिर ऊंचा करके मत जीना, 9 महीने तक सिर नीचे करके जिया था ना, इसलिए तू संसार देख पाया। यदि मोक्ष देखना चाहता है, स्वर्ग देखना चाहता है, अपनी आत्मा को देखना चाहता है, तो अंतर्मुखी हो जा। जैसे वो बच्चा अंतर्मुखी होकर के हाथों को समेट करके माँ से प्रेयर करता है, माँ जिस प्रकार से मैं 9 महीने तक झुका हुआ हूँ, मेरा सिर नीचे है, हे माँ मैं भी महात्मा के सामने, मैं भी परमात्मा के सामने सिर झुका के जी सकूं, महात्मा और परमात्मा के सामने मुझे अहंकार ना जाए, इस भावना के साथ मानतुंग स्वामी ने क्या लिखा है? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। एक पैर नहीं लिखा है इन्होंने, 2 पैर लिखे हैं। अब जब आप कभी रेकी देते हैं, हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग करते समय आप जिसको सिखाते हैं, बताते हैं, उन्हें कहना चाहिए अपने अंगूठे से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए, इस मुद्रा में ऐसे पकड़िए। ऐसे पकड़ने के बाद भावना कीजिए, हे भगवान मेरे पैर कभी गलत रास्ते पर ना पड़े, ऑफिस जाने के पहले मेरे पैर चिरेंद्र भगवान के द्वार तक जाएं, कुछ भी चीज छूने के पहले मेरे हाथों में अक्षत का स्पर्श हो जाए। जब अक्षत का स्पर्श हो जाएगा तो ये हाथ मुझे अक्षय पद की ओर ले जाएंगे। इस भावना के साथ हम अपने हाथों में भोजन करने के पहले
अन्न के कुछ दाने भगवान के मंदिर में समर्पित करना और किस भावना से सम्यक प्रणम्य जिन बाद युगम, दोनों पैरों को पकड़ के। आज के समय हम लोग देखते हैं ज्योतिष पर लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है। आज व्यक्ति इतना परेशान है, मरता क्या नहीं करता, डॉक्टर जो कहता है हम वैसी बात मानते हैं, कोई भी रत्न पहनाता है हम वो रत्न पहन लेते हैं, कोई कहता गुस्सा बहुत आ रहा है मोती पहन लेते हैं, कहते सूर्य कमजोर है माणिक पहना देते हैं, शनि कमजोर है आपको नीलम पहना देते हैं, गुरु कमजोर है आपको प्रभात पहना देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानता हूँ स्वामी की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मानता हूँ स्वामी दूसरे नंबर में काव्य क्या कह रहे हैं, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोध, क्योंकि यहाँ तत्व की बात है, वो तत्व की बात नहीं है, पदार्थ की बात है, संसार के भौतिकता की बात नहीं है। जहाँ सप्त सात नौ पदार्थ है वहीं पर ही परमार्थ है। लेकिन यहाँ मानतुम स्वामी कह रहे हैं ये जो स्तोत्र है, स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे, ये सभी के चित्त को हरने वाला है। आज इस कोरोना काल में सभी के चित्त में कोरोना 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 सुबह शाम कोरोना, लेकिन इस कोरोना से हटाने के लिए आपने जोड़ दिया भक्तामर भक्तामर भक्तामर, तो चित्त हरे रुदारे। आज इस भक्तामर ने भारत का ही नहीं पूरे विदेशियों का चित्त चुरा लिया। अब जब चित्त चुराया तो क्या हुआ, तो शेखिलाहमपीतम प्रथमम जिनेन्द्रम, तो जिस प्रकार से मानतुम स्वामी के अंदर लिखने के भाव पैदा हो गए, किला अहम अपि मैं भी अब वो काम करूंगा, तो हे प्रभु आपने देवों के चित्त को चुरा लिया, सारे देव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, स्वर्ग के वैभव को भूल गए, स्वर्ग के राज्य को भूल गए और इस भूमि गोचरी बनकर के इस संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं। और इसी प्रकार से प्रभु किला हम अपि मैं किल निश्चय से अहम मैं तुष्य स्तुति करूंगा, निश्चय करके उन्होंने दूसरे काव्य में स्तुति करने का प्रयास किया। तीसरे काव्य में कह रहे हैं कि जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो दिमाग नहीं लगाते हो, दिमाग लगाओगे तो डॉक्टर की कोई दवा फायदा नहीं करेगी, यहाँ पर दिल लगाने की बात है। तो तीसरे नंबर काव्य में कह रहे हैं बुद्धिया बिना भी बुद्धि लेके मत जाना, बुद्धू बन के जाना, बुद्धिया बिना भी विबुधार्चित, जिस प्रकार से स्वर्ग के देवता भगवान की सेवा में बुद्धि नहीं लगाते जबकि उनके पास सब ज्ञान है, मत्ति ज्ञान है, सुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी लगाते हैं, लेकिन वहां पर वो अवधि ज्ञान भी नहीं लगाते, विबुधार्चित, और पूजा किसकी कर रहे हैं, पाद पीठ, देखिए भगवान के चेहरा नहीं दिख रहा उन्हें, लेकिन स्वर्गों में रह करके भी वो भगवान के पाद पीठ की पूजा कर रहे हैं, उनके वेदी की पूजन कर रहे हैं। आप सभी विदेश में बैठे हैं, कई जगह मंदिर नहीं मिलते हैं, तो आप लोग भावों की वेदी पर, अपने अंदर की वेदी पर आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। मानतुम स्वामी को कारागृह में कहां आदिनाथ भगवान मिले, नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने हृदय की वेदी पर आदिनाथ भगवान को बुद्धि के बिना विराजमान कर लिया, दिमाग नहीं लगाया। तो तीसरा नंबर का जो है विबुधार्चित पाद पीठा, तो तुम समुद्यत मतिर विगतत प्रभोहम, मैं अब अपनी मति को भूल करके बुद्धि को भूल करके मैं प्रभु आपकी भक्ति करने को तैयार हूँ। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा चांद के प्रतिबिंब को पकड़ता है, माँ से कहता माँ मुझे यही चांद चाहिए, यही चांद चाहिए, लेकिन माँ भी कहती है बेटा मैं ये चांद कैसे दे सकती हूँ, ये तो चांद का प्रतिबिंब है। देखो देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, विदेशी लोगों के लिए बहुत काम आएगा। तीसरा नंबर काव्य कह रहा है, माँ कह रही है कि बेटा मैं तुम्हें चांद को कैसे ला के दे सकती हूँ, लेकिन बच्चा रोता है नहीं माँ मुझे यही चांद चाहिए जिस चांद का प्रतिबिंब थाली पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ आचार मान तुम स्वामी कह रहे हैं जिस प्रकार से बालक के सामने चंद्र बिंब है और आपके सामने जिन बिंब है और आप भी रोते हो कि मुझे यही आदिनाथ चाहिए, लेकिन आदिनाथ भगवान तो मोक्ष में है, सिद्ध सिरा पर विराजमान है, लेकिन हम इसी आदिनाथ को सुबह उठाते हैं, अभिषेक करते हैं, आदिनाथ भगवान के सामने पूजन करते हैं, आदिनाथ भगवान के सामने भक्तामर का पाठ करते हैं,
आदिनाथ भगवान के सामने दीप प्रार्थना करते हैं, जबकि वो आदिनाथ भगवान नहीं है, वो आदिनाथ भगवान का प्रतिबिंब है जिसे हम चिन्ह बिंब कहते हैं। बिंब एक होता है परछाई, परछाई हमेशा ब्लैक होती है, व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होगी। लेकिन जब हम किसी पानी में अपना चेहरा देखते हैं, पानी में जो देखते हैं उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैन जैन आचार्य कहते हैं, पानी में हम चेहरा देखते हैं तो हमें चेहरा अच्छा दिखता है, तो जब पानी हिलता है तो आपका चेहरा भी हिलता है, तो बच्चा भी कैसा है, पानी की तरह हिलता डुलता है। तो तीसरा जो नंबर काम है, तो आप सभी लोग जिन बिंब के दर्शन करके भावना रखते हैं, भगवान कल मुझे यही जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं। तो चौथा नंबर काव्य कह रहा है, ये संसार सागर है, हम आपके गुणों को कैसे गा पाएंगे, आप तो गुण समुद्र हैं, हम तो संसार के सागर में मगरमच्छ घड़ियाल के रूप में परिवार परिग्रह में फंसे हुए हैं, कोई घर से निकलने नहीं देता है। माता पिता कहते बेटा अपना व्यापार संभालो, नौकरी संभालो, ये मगरमच्छ घड़ियाल बन करके मुझे धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कल्पांत काल पवनोदर नक्र चक्रम कोवा तरी तो मलम्याम, कौन ऐसा जीव होगा जो संसार सागर को इन हाथों से पार करने की कोशिश करेगा। पांचवा नंबर कह दिया, ये उनके लिए है जिनके घरों में पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपसी प्रेम खत्म हो गया है, विचारधाराएं खत्म होती जा रही हैं, बच्चे मम्मी पापा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनके लिए पांचवा नंबर काव्य है। यदि आपको चाहिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक अक्षर है शब्द है तो हम, अभी हमारी उषा जी पत्नी है, उन्होंने भजन बनाया है, मैंने बनवाया है, सोहम सोहम सोहम, जैसे है प्रभु वैसे हैं हम, सोहम सोहम। तो सोहम का अर्थ क्या है, सह अहम, सह मतलब वह, अहम मतलब मैं, जैसे हमारे आदिनाथ भगवान है वैसा ही मैं हूँ, जैसी आंखें मेरी हैं वैसी आदिनाथ भगवान की है, जैसी नाक मेरी है वैसी आदिनाथ भगवान की है, जैसे ओंठ मेरे हैं वैसे आदिनाथ भगवान के हैं, जैसे कान मेरे हैं वैसे आदिनाथ भगवान के हैं, जैसे जितने हाथ जैसे मेरे हैं वैसे आदिनाथ भगवान के हैं, जैसे पैर भगवान के हैं वैसे मेरे हैं, तो अंतर इतना ही है, अंतर यही ऊपरी जान वे विराग, यहाँ राग विदान, यहाँ पर राग है, इसलिए हम यहाँ सो हम, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है वो जाप करें, सो में श्वास लेना है और हम में श्वास छोड़ना है। अब प्रेम कैसे बढ़ेगा, लिखा भी है प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, आप लोग मृगी बोलते हैं, मृगी मत बोला करिए, बोला करिए मृगी, है ना, आप लोग बोलते मृगी, मृगी शब्द नहीं है, मृगी MRIGEE मृगी शब्द है, यहाँ पर क्या है मृगेंद्रम शब्द है, हम लोग बोलते मृगेंद्रम, जो मराठी वाले हैं वो बोलते मुर्गी मृगेंद्रम, तो मुर्गा मुर्गी नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर शब्द है मृ MRI, नोट कर लेना आप लोग डायरी में, है ना, संस्कृत में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखेंगे, वहां पर भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ना, बहुत नई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाइए, क्योंकि आप लोग हीलिंग देते हैं, अभी हमारी मंजू जी भी सब जगह हीलिंग बता रही है, तो मैं चाहता हूँ उस हीलिंग के अंदर एक एक भक्तामर के अक्षर भी प्रभावशाली रहे, तो इसलिए पांचवें नंबर में मृगी मृगेंद्रम, यहाँ प्रेम की बात है, क्योंकि आत्म प्रेम एक होता है शारीरिक प्रेम और एक होता है आत्म प्रेम, यहाँ पर कैसा प्रेम बताया है, यहाँ पर बताया है माँ का प्रेम, माँ का ऐसा प्रेम होता है कि वो माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती है, तो हमें भी क्या करना है, तो हमारी जान कौन है, आत्मा हमारी जान है, आत्मा यदि निकल जाए तो आपकी जान निकल गई, तो हमें अपनी जान से प्यारा क्या कौन है, आत्मा है, तो प्रीत्यात्म वीर्य बिना विचारे आप आत्मा से प्रेम करो, जो आत्मा से प्रेम करता है लोग उसे पागल कहते हैं, पर कैसा पागल है, पूजा ही करता रहता है, सुबह से भक्तामर लेके बैठ जाता है, भक्तामर का पाठ करता है, तो क्या करें, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया, क्या जाने नाभित किम सुशो परिपालनाथम,
तो मैं तो अपने बचे हुए जीवन को बचाने के लिए हे प्रभु मैं तो पागल होकर के भक्तावन का पाठ कर रहा हूँ। तो जो लोग हीलिंग लेते हैं वो भी पागल हो जाए, बिल्कुल समझ को भूल जाए, क्योंकि वो डॉक्टर की जैसे इलाज कर रहे हैं, आपको यहाँ से मंत्र सुना रहे हैं, तो पूरे मनोभावना के साथ सुनते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सिक्स नंबर जो काव्य है वो गर्भ संस्कार है। जो बच्चों में बुद्धि का विकास गर्भ के समय होता है, जैसे आपने कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, अभिमन्यु का एग्जाम्पल आपने पढ़ाई है, कई बार आपने सुना भी है। अभिमन्यु को संस्कार कहाँ मिले थे? गर्भ के अंदर। ऐसे संस्कार मिले कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है ये गर्भ में ही सीख लिया। तो आप क्या है छठवें काव्य में गर्भ संस्कार कैसे हैं, यहाँ पर क्या है, देखो आम की बात नहीं है, आम की मंजरी की बात है। अभी आम नहीं आए हैं, आम्र मंजरी आई है। यत्कु किलाह कोयल कब कुहू कुहू करती है? जब आम्र मंजरी आती है। किसी स्त्री को अच्छा कब लगता है? जब उसके गर्भ में चार पांच महीने का बच्चा हो जाता है, तो बस वो अंदर ही अंदर भावना बनती है, क्योंकि जिसके गर्भ में बच्चा होता है आनंद उसी माँ को आता है। हमारे जैन आचार्य कहते हैं आम का नाम लेने से आम का स्वाद नहीं पता चलेगा, जिसने आम का स्वाद लिया है उसी को ही आम का स्वाद आएगा। तो जिस स्त्री को पता है कि बच्चे का सुख क्या सुख है, वो माँ को आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो उसके गर्भ में आम्र मंजरी आ चुकी है, और आम्र मंजरी आई है तो नियम से माँ बार बार अपने बच्चों में संस्कार भक्तामर का पाठ करती है कि मेरा बच्चा धार्मिक हो, संस्कारवान हो, पद्म पुराण का स्वाध्याय करती है, गलत संस्कारों से दूर रहती है, टीवी से दूर रहती है, मोबाइल से दूर रहती है। और उस समय आप अपने नाभि स्थान पर हाथ रख करके इस जैसे गर्भ पॉइंट होता है, हृदय का पॉइंट बना किस तरीके से साधु अंजलि बनाता है, इस प्रकार का पॉइंट बना करके आप नाभि पर छठवें नंबर काव्य की आराधना करके, और हल्का सा गाय का घी मिल जाए पुराना, उसको ऐसे क्लॉक वाइज घुमा करके गर्भ संस्कार के लिए, और इस काव्य को बार बार सिक्स नंबर को पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है आचार्य प्रदृष्टि कर रहे हैं, यत्को किलाह किल मधौ मधुरम विरवती, मधुर स्वर में कोयल कुहू कुहू करती है। तो जैसी माँ ने बोला है भक्तामर, जब बच्चा संसार में आएगा उसी भाषा में आपका बच्चा भी भक्तामर बोलेगा। तचाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु, जिस प्रकार से कोयल ने अभी आम नहीं देखा है, आम्र मंजरी को देखे कुहू कुहू करती है, और हमने भी आदिनाथ भगवान को नहीं देखा है लेकिन आदिनाथ के रूप में प्रणाम सागर रूपी आम्र मंजरी को देखा है, इनको देख देख के नमोस्तु 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 करना सीख जाते हैं। तो कल हमें आदिनाथ भगवान दिखेंगे तो उनको देख के हमारे मन में भी नमोस्तु नमोस्तु करने के भाव पैदा हो जाएंगे ना। इसके बाद देखिए सात नंबर काव्य है, सात नंबर कहते हैं सेवन इज हेवन, स्वर्ग की यात्रा कैसे करें, ये सात नंबर है। कहते तो संस्तवेर भव संत सन्निबद्धम, जब तक हमारे अंदर कर्म पदे हैं तब तक हमें स्वर्ग का आनंद नहीं आएगा। जब तक हमारे दिमाग में व्यापारी लोड है, सर्विस का लोड है, पैसा होने के बाद भी उस पैसे का आनंद, क्योंकि हम सन्निबद्धम बने हुए हैं, अब इन पाप रूपी कर्मों से बने होने के बाद बाहर कैसे निकले, लिखा है पापम क्षणात् क्षय, क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा पाप कर्म नष्ट होने में, क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? यहाँ कहते हैं अमावस की रात हो, अभी दो दिन के बाद अमावस आने वाली है, अमावस की रात पर चांद नहीं दिखता है, लेकिन जब उस चांद उस अंधकार के भीतर से एक सूर्य की किरण निकलती है तो सारा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। ऐसे आपने जीवन में इतने समय तक दर्शन नहीं किए, कुछ लोग पहली बार मंदिर जुड़े होंगे, कई लोगों ने पहली बार भक्तामर पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, आप पहली बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको उसका पूरा पूरा फायदा प्राप्त होगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत में यदि ये भक्तामर की याद आ गई तो आप मान के चलिए आप भक्तों की श्रेणी में शामिल होकर के आप अमरता को प्राप्त हो सकते हैं। आठवां नंबर काव्य मानतुंगा चर कह रहे हैं मैं ऐसा मानकर मतवेती नाथ, ये प्रभु मैं ऐसा मानकर लिखूंगा, तो कैसा मान करके, तब संस्तवनम मेरे द्वारा
मैं जो लिख तो रहा हूँ मेरा कोई प्रभाव नहीं। आप लोग कभी जब रेकी देते हैं, हीलिंग देते हैं, वहां पर मत कहना मैंने दिए हैं, क्या कहना तब प्रभाव, आपके प्रभाव से दे रहा हूँ। इस शब्द को नोट कर लेना, तब प्रभाव। यहाँ पर मंतोंगा आचार्य क्या कह रहे हैं कि भक्तामा लिखने की मेरी ताकत नहीं है, मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ लेकिन अपने प्रभाव से नहीं, किसके प्रभाव से, तब प्रभाव। इस पॉइंट को नोट कर लेना, जब कभी आपको अहंकार आने लगे तो क्या कहना मुझसे, तब प्रभाव, आपके प्रभाव से। चेतो हरिष्यति तभी किसी का चित्त हरा जाएगा, है ना। नौ नंबर जो काव्य है, जब आपको बच्चे का नामकरण करना हो, बच्चों में संस्कार देना हो, जैन बनाना हो, तो संग कथापि क्या लिखा, आस्ताम तवस्त वर्वस्त समस्त दोषम। अब बच्चा संसार में आ चुका है, अब उसे सुनाइए कथा, कथा ही आपके जीवन की प्रथा है। यदि आपको जैन धर्म की प्रथा से जुड़ना है तो आपको क्या सुनाना होगी, कथा। मिटेगी आपकी जीवन की सारी व्यथा, उसको कहते हैं कथा। इसलिए बच्चे का जन्म कितने महीने के बाद होता है, 9 मंथ। इसलिए मानतुम स्वामी ने 9 नंबर काव्य पर लिखा, क्वसन कथा जगदाम दुर्तारे सहस्र किरणा कुरते प्रभव। हमने सूर्य को देखा नहीं है लेकिन उसकी रोशनी को देखा है, और रोशनी के प्रभाव से जल में पड़ा हुआ कमल खिल जाता है। उसी प्रकार से प्रभु, हमने आपको तो नहीं देखा है लेकिन आपकी इस रोशनी को, मूर्ति के तेज को, मूर्ति के प्रभाव को देख करके मेरे हृदय का कमल अपने आप खिल जाता है। और 10 नंबर काव्य उनके लिए है जो विदेश में रहते हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रयास करते हैं, जो तोतली आवाज में बोलते हैं, बार बार हकलाते हैं, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते हैं। 10 नंबर काव्य है, आप इस काव्य को देखिए ध्यान से, इसमें सबसे ज्यादा ह ह ह भ का उपयोग किया है। अब कितने बार किया है, पहली लाइन में 4 बार, दूसरी लाइन में 4 बार, तीसरी लाइन में 2 बार और चौथी लाइन में 1 बार। अब देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि गुरु जी को कितना याद है, अब क्या करें, जीता हूँ भक्तामर के साथ, हर काम भक्तामर के साथ करता हूँ, तो इसमें भव है। जब हम भव होते हैं तो हमारे गले पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए हर संप्रदाय में भ भगवान, भ भूमि, भ भूगोल, भ भगवती। तो ये भ जो शब्द है वो हमारे गले पर प्रेशर डालता है और स्वर अपने आप खुल के सामने आ जाता है। 11 नंबर काव्य उनके लिए है जो गलत आदत के शिकार हो चुके हैं, जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार का बीजारोपण नहीं हो रहा है, जिसने खारा पानी ही पिया है। समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, खारा पानी मतलब खारे लोगों के साथ रहे हैं, अब उन्हें क्या करना है, क्या करना है, अब उन्हें उन्हें अब उन्हें क्षीर सागर का जल पिलाना है। तो ये काव्य दृष्ट्वा भवंत, ये प्रभु जिसने आपको देख लिया है अब उसका और किसी को देखने का मन नहीं करता है, ये कहता है 11 नंबर काव्य। 12 नंबर काव्य उनके लिए है जो गुस्से में सबके 12 बजाते हैं, इसलिए काव्य यही शांत राग, तो शांत रहने के लिए 12 नंबर काव्य है। इसमें क्या है, परमाणु की बात कर रहे हैं, कोई जैसे परमाणु होंगे वैसे परिणाम होंगे। हमने परमाणु बम को तो नहीं देखा है लेकिन हमारा गुस्सा ही परमाणु बम का काम करता है, क्योंकि परिणाम खराब तो परमाणु बम आपका तैयार। इसके लिए 12 नंबर का काव्य है, आप इसे पढ़ते जाइए पूरे मनोभावना के साथ, हीलिंग के साथ, जैसे हमारी यहाँ पर सारी बहनें करती हैं उस भावना के साथ। 13 नंबर काव्य है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए है, लिखा भी है, वक्त्रम पते सुर नरो रज नेत्र हारी, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए है। हमारी आंखों के सामने हमेशा भगवान दिखते रहे, मिथ्यात्व ना दिखे, सम्यक्त्व ही दिखता रहे, इस भावना के साथ पांडु परास कल्पम की बात रखी है। आंखें बंद हैं, सब कुछ फीका दिखता है, इस आंखों के सामने सब रोशनी दिखाई देती है। 14 नंबर उनके लिए काव्य है, जो विदेश में है, यात्राएं करते रहते हैं, स्टेशन टू स्टेशन चेंज करते रहते हैं, उनके लिए है, जिनके जीवन में हमेशा भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, तो लिखा भी है, संपूर्ण मंडल, अभी हम आपके बीच में शरद पूर्णिमा को संपूर्ण मंडल के दर्शन कराएंगे, अर्थात शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा के चांद के दर्शन
आप लोगों को कराएंगे, आप सभी देखेंगे। उस समय आपके यहाँ सवेरा होगा, लेकिन यहाँ पर शाम होगी, उस समय हम आपको दिखाएंगे। तो 14 नंबर कार्ड उनके लिए है अपने जीवन की यात्रा को पूरी करने के लिए, 15 नंबर कार्ड उनके लिए है जिनका मन बहुत भटकता है, चंचलता बहुत ज्यादा है, बच्चों में चंचलता रहती है, अब बच्चों को याद नहीं करना है, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मत करिए, सिर पर हाथ रखिए और पूरी हीलिंग फीलिंग के साथ महसूस करा करके चित्रम कीमत लिए देते नाभिर, इस प्रकार मना कपी जना भी उनका मन चलायमान नहीं होता है। किसका नहीं होता है? हे प्रभु आपका बिल्कुल मन चलायमान नहीं होता है। स्वर्ग के अप्सराएं भी आपके सामने आकर नृत्य करती है, हाव हाव दिखाती है, फिर भी आपका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। तो मन को रोकने के लिए, चंचलता रोकने के लिए मुंह में आप पानी भर लीजिए और इस काप को गुनगुनाते हुए आप उस पानी को ग्रहण करते जाइए। यह पानी मंत्रित हो जाएगा और आपका मन मंत्रित हो जाएगा, फिर आपका मन अशांत नहीं रहेगा। इस कोरोना काल में सबसे बड़ी बीमारी कोरोना की नहीं, मन खराब होने की बीमारी हो गई है। आज लोगों का मन इतना खराब हो गया है, नेगेटिव विचार आने लगे। इसलिए आप 15 नंबर कार्ड को पढ़ रहे हैं, जिनका मैरिज नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, जिन्हें अभी तक कोई अप्सरा नहीं मिली है, अफसर तो बन गए हैं लेकिन अप्सरा के लिए घूम रहे हैं, तो अफसर बने हैं अप्सरा भी मिले, तो 15 नंबर काफी की आप लोग साधना करते रहे, इसका पाठ करें ना। 16 नंबर कार्ड है उनके लिए जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दीपक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दीपक में तेल भी नहीं है, पाती भी नहीं है और धुआं भी नहीं है, तो वो दीपक क्या है? आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए 16 नंबर काव्य है, और 17 और 18 नंबर जो काव्य है वो ग्रहण के लिए है। सूर्य ग्रहण लगता है तो 17 नंबर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सूर्य ग्रहण की बात है। नास्तम कदाचित उपयासिना राहु, राहु लिखा है, यदि आपको लगता है राहु दोष है, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपको राहु है, तो आप कुछ नहीं, पहले 17 नंबर का काव्य सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में आपको 18 नंबर का काव्य पढ़ना है ना। नित्यो दयम दरित्रो महांधकारम कम्यम न राहु, सब इसमें भी आए, देखिए यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 19 नंबर काव्य उनका है, उनके लिए है, हे भगवान जब मुझे जरूरत पड़ी किसी ने भी साथ नहीं दिया, अब तो धान पक चुके हैं, अब पानी बरस गया तो सारे धान खराब हो जाएंगे, तो हमें उस समय किसकी जरूरत पड़ती है जब कोई साथ नहीं देता है, बस उस समय आप 19 नंबर का पढ़ते जाइए। हे प्रभु संसार ने साथ छोड़ दिया है, कोरोना काल में सभी ने मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया, हे प्रभु आज मैं आपके ध्यान में इस 19 नंबर काव्य की आराधना कर रहा हूँ, और ध्यान के साथ साथ ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। 20 नंबर काव्य उनके लिए है, यहाँ पर ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है, तो जो ज्ञान प्रभु आपके अंदर है वो हरि हरादिक में देखा नहीं जाता है। आपके बच्चे जब प्रश्न करें मम्मी भगवान क्या देते हैं, कभी ये मत कहना भगवान कुछ नहीं देते हैं, ये कहना ये भगवान जो अपने को देते अपने वाले देते हैं वो कोई भगवान नहीं दे सकता है। बच्चे कहेंगे अपने भगवान क्या देते हैं, आप इतना ही कहना बेटा एक शिक्षक आपको हिंदी पढ़ा सकता है, इंग्लिश पढ़ा सकता है, साइंस पढ़ा सकता है ना, मैथ्स पढ़ा सकता है, लेकिन सब शिक्षक अलग अलग हैं। एक डॉक्टर आपको अलग अलग बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन हमारे भगवान के पास तो सम्यक ज्ञान है जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। ऐसे केवल ज्ञान के सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी ज्ञान फीका पड़ जाता है। तो जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या आगे प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, वो 20 नंबर काव्य पढ़ते रहे, उसकी आराधना करें। कैसे करेंगे चर्चा पर लोग बताएंगे बाद में, लेकिन सिर्फ अभी आपको सिर्फ भक्तामर का चमत्कार क्या है वो चीज आपको बता रहा हूँ। 21 नंबर काव्य उनके लिए है जिनके हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इसमें हृदय की बात है। मन ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टि सुदयम कोई तोष मिति, हे प्रभु मेरा हृदय तो मिला है लेकिन मेरा हृदय आपकी भक्ति में धड़कता रहे। पूजा में पढ़ते ना तव पादो मम हृदय तव पदत्व लीना, मेरा हृदय आपकी भक्ति में धड़कता रहे। इसके 21 नंबर काव्य आपके बीच में है। 2021 में हृदय सबसे ज्यादा खराब हुआ, हार्ट अटैक हुए, तो अब क्या करें? 21 में 21 नंबर काव्य मानतुंग आचार्य को पहले ही पता था कि समय लोगों का
हृदय सबसे ज्यादा खराब होगा। यहाँ पर हृदय तो कोशमिति किम दीक्षित भवता भूमि अन्या कश्चिन मनोहरतिनाथ भगवान तरेपी या मंतुंगाचार आध्यात्मिक बात कह रहे हैं। भगवान इस हृदय में आपका नाम स्थापित हो जाए जिससे मुझे अगले भाव में आपका ही नाम मिले और मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत ना पड़े। 22 नंबर का नारी जगत के लिए है। यहाँ जितनी नारियां आज यहाँ पर हमारी बहन बैठी जिन्होंने आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, हमारी मंजू बहन जो आज अर्चना जी बहन, आज देखिए नारी ने ही भक्तामर को आज इतना आगे बढ़ाया है। लेकिन पुरुषों के नाम कम आते हैं भक्तामर हीलिंग में, लेकिन महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा हीलिंग में आते हैं। जो अंजलि जी आज अपने बीच में बैठी हैं, कितना बड़ा चमत्कार है सोचिए। यहाँ पर हमारी उषा जी पाटनी है, पूरे इंदौर में इनका नाम है। ये हमारी उषा जी पाटनी यहाँ की सरस्वती है, सब लोगों के लिए ज्ञान देती है, अंजलि माता जी सुनी है। अंजलि जी ने जो एक काम किया है यहाँ पर, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कभी नारी अपने आप को कमजोर नहीं माने, अपने आप को ताकतवर माने। ये ताकत किसने दी है? मानतुंग आचार्य ने दी है। त्रिनाम सतानी सतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तद पमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति महान सहस्र रश्मिन प्राची विधिक जनयति स्फुरदन सुजानम। यहाँ पर इसलिए तो सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में पहले से ही नारी इतना आगे बढ़ चुकी है आज, क्योंकि नारी की भावना नारी ही समझ सकती है। कोई दुखी होता है तो अंदर से हीलिंग, अंदर से फीलिंग नारी के अंदर से ही पैदा होती है। बच्चा रोता है, माँ को ही पता चलता है कि बच्चे को इस समय क्या चाहिए। पापा तो चाटा मारते हैं, लेकिन माँ चाटा नहीं मारती है, माँ तो उसको चाट ला के देती, बेटा चाट खा ले, उसे आशीर्वाद देती है। तो इस प्रकार का यह है, माँ का आशीर्वाद है। 22 नंबर काव्य में पूरब दिशा में मुंह करके 23 नंबर काव्य है। बड़े बड़े आचार्य संत स्वयं सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, महामृत्युंजय काव्य यदि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप 23 नंबर काव्य की आराधना करें, क्योंकि इस 23 नंबर काव्य में लिखा है, त्वामा मनंत मुनिया परमं पुमान सामादित्य वर्णमं सामृतात् त्वामेव सम्यक् उपलब्ध्य जयन्ति मृत्युम्। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने के लिए, जयन्ति मृत्युम् नान्या शिवः स्वयं पदस्य मुनीन्द्र पंथा। इस संसार में और कोई पंथा राहगीर नहीं है जो मृत्यु से बचा सके। जिसने मृत्यु पर विजय पाई है वही तो मृत्यु से बचाएगा। जो स्वयं डरा हुआ है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, वो आपको मृत्यु से कैसे बचाएगा? तो 23 नंबर काव्य है। 24 नंबर काव्य केतु के लिए है, जिनका नेगेटिव फीलिंग चल रही है, दिमाग खराब रहता है, नेगेटिव विचार आते हैं। केतु 24 नंबर काव्य में लिखा है, पढ़ के देखिए, त्वाम अव्ययम् व्योमचिन्त्यम् असंख्यमाद्यम् ब्रह्मांडमीश्वर अनंत मनंग। बोलिए केतु, केतु शब्द आया है ना, देखो पूरा ज्योतिषाचार्य हमारे मानतुम स्वामी थे। तो यह केतु खराब हो तो आप पांचनाथ भगवान का जाप करें और इस काव्य का पाठ करें। 25 नंबर काव्य संस्कार के लिए है। 26 नंबर काव्य भगवान को नमोस्तु करने के लिए है। आप जब बिस्तर छोड़ें, बिस्तर छोड़ने के बाद चारों दिशाओं में दिक बंद न करें, क्योंकि आपको चारों दिशाओं में निकलना है, चारों दिशाओं की यात्रा करना है। इसलिए यहाँ पर नमोस्तु तो चार बार किया है, लेकिन चार बार अलग अलग ट्रिक से किया है। पहले में क्या कहा उन्होंने, तुभ्यम नमस्त्र नाथ हराय नाथ, हे प्रभु आप दुखों को हरने वाले हो। तुभ्यम नम क्षित तला मल, आप इस भूमि के आभूषण है, अमर अमन है, इस संसार को निर्मल करने वाले हैं। तुभ्यम नमस्त जगता, आप तीन जगत के परमेश्वर हैं। तुभ्यम नमो जिन भगवदी, जो संसार है समुद्र के समान है, इसे सुखाने वाले हैं। तो पूरब दिशा में खड़े होकर के पहली लाइन बोल लो, दूसरी लाइन दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में तीसरी लाइन, चौथी दिशा में चौथी लाइन, तो आपका दिक बंधन हो गया, दिशाओं का बंधन हो जाएगा और फिर कभी आपको किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद 27 नंबर जो काव्य है, जिनको स्वप्न में उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन स्वप्नान तरित न कदाचित तीक्ष्ण दोषी, स्वप्न में भी कोई इनके पीछे नहीं पड़ेगा। 28 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक जो काव्य है अष्ट प्रात्याहारी के हैं। अपने घर में अष्ट प्रात्याहार लगा के रखना चाहिए। जो बच्चे कान से कम सुनते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काव्य है, गंभीर तारण पूरे दिग्व भागल, इस अलग अलग प्रकार से जो किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए छत्रा तायम कहते हैं। जो भगवान पर तीन छत्र लगाता है उसके ऊपर एक छत्र लगी जाएगी, क्योंकि तो छत्र छाया में, और जब आप छत्र लगाते हैं एक ही भावना रखना है, भगवान बस मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद की छत्र छाया बनी रहे, इस भावना के साथ यह
छत्रा त्रयम काव्य है, तो यहाँ पर आठ प्रत्याहार जो आप पढ़ते हैं, जिनका ओरा चक्र कमजोर है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, जो अगर बच्चा आपके पेट में घूमना बंद कर रहा है, ऑयल लिक्विड कम हो रहा है, 34 नंबर का पढ़ते जाइए, सुम्भक प्रभाव वाले सेवन चक्राज बनते हैं, आपके बॉडी में भी सेवन चक्राज है और भगवान को सात भाव उनके सामने खड़े होते ही आपको दिखने लगते हैं, और इसके बाद आपको लगता है कि मुझे हर समय जन्म जन्म में भगवान की वाणी सुनने को मिले। इसके बाद 35 नंबर का आप पढ़िए, जो स्वर्ग को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि है। और 36 नंबर काव्य में भगवान ने विहार चालू कर दिया, देखो भाई उनका विहार का समय हो गया है, कमल की रचना होती जा रही है, और जो लोग टूरिस्ट का काम करते, टूरिंग करते हैं, घूमना सेल्समैन का काम करते हैं, 36 नंबर काव्य पढ़ते रहे। 37 नंबर का भगवान के समोषण का प्रतीक है, समोषण लगा है, जो शोभा इस समोषण की है वो शोभा और कहीं भी कांच के टुकड़ों की दिखाई नहीं देती है, ऐसी भावना, जो शोभा सूरज की है वो चांद के साथ तारों की दिखाई नहीं देती है। 38 नंबर काव्य से लेकर के 45 नंबर तक, 46 नंबर तक कहें, डर को मिटाने के लिए, अपाहर आपकी ना मम्मी है ना पापा है ना कोई समाज ज्यादा रहती है, दूर दूर रहते हैं, तो जब कभी आप बाहर अकेले जाएं तो 38 नंबर काव्य, जिसमें हाथी का डर, अब हाथी नहीं है लेकिन अहंकारी व्यक्ति है, शेर का डर, अग्नि का डर, काल सर्प है, आपको 41 नंबर काव्य है, आप पढ़ें अमावस को 41 बार पढ़ें, इसके बाद आपको युद्ध का डर, इंटरव्यू का टेंशन, नौकरी जाने का टेंशन, क्या करें, क्या चली नहीं जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय वलगत तुरंगज गर्जित, इस प्रकार से आप, और आप जब समुद्र में यात्रा करते हैं तो 44 नंबर काव्य पढ़ते रहे, अम्बो निदो क्षुभत भीषण नक्र चक्र। अब हम आपको ले चलते 45 नंबर काव्य, अब 45 नंबर पढ़ना कैसे चाहिए उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आज भक्तामर पूरा, अब पढ़ना कैसे चाहिए, तो बस हमें दुखी हैं, हम बिल्कुल दुख, जैसे डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं, दुखी होके जाते हैं, उस समय हमें ऐसे हाथ करके हम हाथ फैला रहे हैं, हम उस समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जैसा आपने मुझे पहले शरीर दिया था बस मुझे वैसा ही शरीर बना रहे, तो मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस उस समय पढ़ने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बस आंखें बंद करके ध्यान में आदिनाथ भगवान को यहाँ पर आना है, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पर आना है, क्योंकि अब हमें भगवान की आज्ञा में रह करके उस सब उदास होकर के पढ़ना कैसे चाहिए, देखिए आपको बता रहा हूँ, आप पेट पर हाथ रखे, यदि पेट तो पेट से ही सारी बीमारी फैलती है, जलो दरे भारे भोगना, पेट बढ़ चुका है, मोटापा बढ़ चुका है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अब आपकी स्थिति क्या हो गई, सोच्याम दशा, सोचनी दशा हो गई, मुपगता श्युत जीविता सा, अब तो जीने की आशा ही छोड़ी प्रभु, अब तीसरी लाइन जब हम पढ़ेंगे दोनों हाथों को आगे फैला लीजिए, तत्पात, अब ऐसे विचार कीजिए कि मैंने अपने हाथ भगवान के पैरों पर टच कर दिए, तत्पात पंकज, अब ऐसे मुट्ठी बना के मिट्टी ले ली आपने भगवान की आशीर्वाद की, रजो मृत, फिर पूरे शरीर पे देख रहे हाँ, एक बार फिर देखिए, वर्पाल पंकज, पैरों की पंकज क्रिया, रजो मृत देहा, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाएंगे तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी अपने आप आपस में टकराने लगेगी, रजो मृत देहा, फिर खुश होकर के मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा, मरने वाला व्यक्ति जो मृत्यु की सैया पर खड़ा है वो कैसा हो गया, मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपा उसका हो गया है, और जितनी महिलाएं आज हमें सुन रही हैं कहीं पर भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, कैलिफोर्निया, जहां भी आप हो, हर लेडीज से मैं कहना चाहता हूँ 46 नंबर काव्य रोज पढ़ना, क्योंकि आप सभी चंदन बाला हो, आप लोगों के पूरे शरीर पे बेड़ियां पड़ी हैं, उस चंदन बाला के तन पे लोहे की बेड़ी थी
और आपके तन पर सोने की बेड़ी है। मंगल सूत्र सोने की बेड़ी, चूड़ी सोने की बेड़ी, पैरों की पायजेब सोने की बेड़ी, और बाल बड़े हो जाएं तो क्लिप लगा दो, हो गई बेड़ी। पूरा शरीर बेड़ी से बना हुआ है। तो इसलिए महत्वाचार्य ने अपने कारागृह में, वो थे ना हो या ना हो, लेकिन महिलाएं तो कारागृह में है, कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकती है। भले ही हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम परिवार के बंधन में है, पति के बंधन में है, रिश्तेदारों के बंधन में है, परंपरा के बंधन में है। अब आप विचार करें कि चंदन बाला की बेड़ी टूटी कब, जब उसने महावीर स्वामी को देखा। महावीर स्वामी को देखते ही विधि मिल जाती है और चंदन बाला की बेड़ी टूट जाती है। और आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चलते फिरते महावीर के दर्शन झूम के माध्यम से हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि अब तो अपने कर्मों की बेड़ियां टूटने का समय आ चुका है। तो हर नारी को 46 नंबर का काल हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपाद कंठ पैरों से लेके आपका कंठ तक बने हो, है ना। श्रृंखल दृष्टि तांगा हाथ पर छिल जाते हैं, कोई कभी चाकू से छिल जाता है, कभी तुम्हारी रोटी बनाते बनाते हाथ जल जाते हैं, तो रोज छिलते आप लोग, आपात कंठ पर श्रृंखल दृष्टि तांगा गाढ़ पूरी तरीके से बने हुए हैं, निकल नहीं सकते। पति तो आराम से कहीं भी घूम के आ सकता है, लेकिन महिला जब बाहर निकलती है उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, रेंज में रहना और कहीं जाए तो वीडियो कॉलिंग कर लेना, अब कैसे वो स्वतंत्र रहेगी। तो 46 नंबर और 47 नंबर, जिसको मैं AK-47 राइफल कहता हूँ, ये पूरे 8 काव्य का कंक्लूजन है। मत्ता दुपेंद्र मेघराज सारे काव्यों का सार, यदि समय कम मिले, डर से आप भयभीत हैं, 47 नंबर काव्य पढ़िए। और 48 नंबर काव्य उनके लिए है जो चाहते हैं कि हे भगवान, आज मुझे इस संसार की वर माला मिली है, आज मैंने किसी वर को वरा है, हे प्रभु कल मुझे शिवपुरी की माला मिले, कल मुझे चिनवर की माला मिले। तो चिनवर की माला के लिए 48 नंबर काव्य है। इसमें एक प्रकार का पुष्प नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के पुष्पों को मिला करके एक माला तैयार की है। लिखा भी है मंत्र स्वामी ने, सूत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्यामया, मैंने जो भक्ति की भक्त्यामया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा भक्ते जनो यही कंठ गता मदस्त्रम, जो श्रावक जो भक्त इसे कंठ में धारण करता है, पहनता है, पहनने से मतलब तो कोई भी चुरा लेगा, मतलब कंठस्थ करता है। तो मेरी भावना है अभी को समय मैं छोटे छोटे बच्चों को भक्तामर सिखा रहा हूँ। मैं सारी माओं से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे डॉक्टर बने कोई गम नहीं, इंजीनियर बने बनाइए, वकील बने बनाइए, ऑफिसर बने बनाइए, उसके पहले आप अपने बच्चों को भक्तामर का परम भक्त जैन भक्त बनाइए। जब कभी आपकी तबीयत खराब होगी, बच्चा आपको अस्पताल नहीं ले जाएगा, आपको भक्तामर सुना के आपको ठीक कर देगा। तो धत्ते जन्मे कंठ कदाश्रम और तम मान तुंगा, हे मान तुंगाचार्य, आपने जिस प्रकार से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाया है, समुपायती लक्ष्मी व जबरदस्ती बरात आपको वर लेगी और आपको मोक्ष रूपी यात्रा करा देगी। और आपको मालूम ही है, एक बार कभी हम किसी पति को वरमाला पहना देते हैं, वो पति आपको पूरे भारत में नहीं विदेशों में घुमाता है। अपने मन से चल नहीं सकती हो, कहता ट्रांसफर हो गया है, पत्नी कहती ठीक है चलो, मन तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, उस वरमाला का ऐसा प्रभाव पड़ा, पति पति के पीछे पीछे घूमना पड़ा। तो मैं भी चाहता हूँ सिरवर चिनवर माला का ऐसा प्रभाव पड़े, जहां जिनेन्द्र भगवान के मंदिर हो, जहां साधु हो, वहां वहां आपके कदम बन सके और आपके जीवन का कल्याण हो सके, ऐसा ये सुंदर भक्तामर। अब इसमें कैसे हीलिंग करना है, कैसे फीलिंग देना है, ये चर्चा हम लोग आपके बीच में बाद में रखेंगे। बस आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है जो आप वहां पर रह करके, अभी मैंने कपड़ा एक अभी बहुत बड़ा अभियान चला रहा हूँ, जो लोग जहां जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ अपने जीवन में एक बार ये भक्तामर लिखिए। कपड़े पे आपको भक्तामर लिखना है, जो लिखा जाता है वो आपके माइंड में शिव हो जाता है। 48,000 मीटर कपड़े पर मैं भक्तामर लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि लिखने वाली चीज आपके दिमाग में शिव हो जाती है। ये देखिए कपड़ा आपके बीच में है, थोड़ा सा ये देखिए लिखा भी आपके हस्त लिखित भक्तामर स्त्रोत्र, इसमें पूरी लाइनिंग है 1 से लेकर के 48 तक, ये कपड़ा आपके पास तक
जो भी संपर्क में रहेंगे वहां तक आप पहुंचेंगे, पेन भी आपको रहेगा और नीचे आपके साइन होंगे, क्योंकि मेरी भावना है जिन हाथों से हम संसार की भूमिका बनाते हैं उन हाथों से भक्त बनकर के मोक्ष जाने की भूमिका बना सके। इसलिए आप सभी इस भक्तामर अभियान से जुड़े हैं और एक ही मेरा सपना है। हाँ जी जी, मुझे भी लिखना है। तो जो यहाँ पर चला रहे हैं चैनल, वहां से हम चाहते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे चैनल को चला रहे हैं विजय कुमार जी जैन, हमारे मनीष जैन के भाई विदेश में रहते हैं, वो कपड़ा आपके पास तक हम पहुंचाएंगे, है ना। और पेन भी बिल्कुल आपको देंगे, एक बार आप अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए, लिखना संस्कृत में है, हिंदी वाला भक्तामर कभी नहीं पढ़ना। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ना, उसका भी मैं आंसर दे रहा हूं। यदि हम अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर हमें इंग्लिश बोलना पड़ती है, कर्नाटक में जाते हैं हमें वहां कन्नड़ बोलना पड़ती है, हम यदि तमिलनाडु जाते हैं हमें तमिल बोलना पड़ती है, गुजराती में जाते हैं गुजराती बोलना पड़ती है। जब हमें भक्तामर में प्रवेश करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भक्तामर ही बोलना पड़ेगा, तो ही इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये कपड़ा कैसे मिल सकता है, तो ये अभी हमारी जो चैनल इन्होंने आपको आज इनवाइट किया है जी, ओके आई वांट, हाँ बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके पास तो पहुंचेगा, आप इसे लिखिए 2021 मेरा एक ही भावना है आपके हृदय के अंदर, क्योंकि मंत्र स्वामी ने 21 नंबर कार्ड पे लिखा है, मनी वरम हरिहरा दिष्टा दृष्टि। जैन कॉलोनी से प्राप्त, जी जी जैन कॉलोनी से सिखा चीजें लिख रही हैं, जैन कॉलोनी से आप ये वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पेन भी आपको मिलेगा, भक्तामर कैसे लिखना एक चार्ट भी आपको प्राप्त होगा। बस मेरी एक ही भावना है, घर घर भक्तामर और हर घर भक्तामर, इस प्रकार की भावना के साथ। बस कुछ चीजें मैं आपके बीच में, अभी कम समय में मैंने आपको दिया है टाइम, क्योंकि हमारे प्रवचन चल रहे थे और काले नगर में हूँ मैं इस समय, इंदौर जैन कॉलोनी काले नगर में आके बैठा हूँ गुप्ती सदन में, वहीं पर ही मैं आप लोगों को आज सबके बीच में बैठ करके आशीर्वाद दे रहा हूँ। नई नई चीजें, एक पेन भी मैंने बनाया है भक्तामर पेन, ये देखिए चमत्कार, ये पेन है, इसमें पूरे 48 काव्य हैं। अभी तक आपने कौन से पेन से लिखा, रोटोमैक पेन, एड जेल पेन, पायलट पेन, फाइजर पेन, लेकिन ये पेन का नाम भक्तामर पेन है, इसमें पूरे 48 काव्य हैं। आप कहेंगे 48 काव्य कहाँ पर हैं, ये देखिए आपके बीच में 48 काव्य, ये देखिए 1 2 3 पूरे 48 काव्य देखिए। ये पेन भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मैं कुछ आज के बच्चों के हिसाब से काम करता हूँ, जिससे हमारे बच्चे भक्तामर के प्रति जुड़ सके। जैसे आज इस्कॉन टेंपल वाले भगवत गीता भारत देश से बाहर तक पहुंचा रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ भगवत गीता जब हमारे इंडिया के बाहर जा चुकी है तो मेरी भावना है ये भक्तामर भी भारत के साथ साथ पूरे दुनिया के कोने कोने में जा सके, यही मेरी भावना है। तो आज दीपा जी ने लिखा पेन, पेन भी आपको मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और भी जो चीज आपके साथ पूरे किट आपको वहां पर प्राप्त होगी। बस आप जुड़े और पूरी आत्मीयता के साथ विदेश में रहने के बाद भी आप लोगों के अंदर भक्तामर के प्रति बहुत आस्था है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बड़े प्रेम से भक्तामर के एक काव्य के बारे में सुना। आगे और कैसे हीलिंग करना है, कौन सी बीमारी को कैसे दूर करना है, वो चीज आपको बताऊंगा। मैं स्वयं PhD हूँ, मैंने भगवान महावीर के आर्थिक चिंतन पर मैंने 5 साल पढ़ाई करके PhD किए है, ऐसे डिग्री वाले नहीं, पढ़ाई करके, तो पोस्ट इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो हमारे जूम चला रहे हैं उनसे आप संपर्क करा करके, एक मोबाइल नंबर है इसे नोट कर लेंगे, मेरा साथ में लड़का रहता है, 7000843664, ये नंबर है मोबाइल नंबर, कभी भी आपको कुछ लगे भक्तामर की, हाँ ये नंबर लिख दिया है यहाँ पर वर्षा जी ने भोपाल से, 7000846, है ना, ये नंबर 7664 है, ये नंबर आप लोगों के लिए है। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ समय हो चुका है। मुझे एक, मेरा नाम महाराज जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना जैन है, वैंकूवर से हूँ, और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा कि हिंदी में नहीं, और क्योंकि भक्तामर वैसे तो प्राकृत भाषा में, संस्कृत में है,
तो उसको उसका उच्चारण मतलब आपका रीजन ये है कि हिंदी में वो जो वाइब्रेशंस होती हैं जो हम श्लोक पढ़ते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है हमारे आसपास यूनिवर्स में तो इज दैट द रीजन फॉर इट और इफ दैट्स द रीजन फॉर इट तो उसका शुद्ध उच्चारण से पढ़ना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न लीना जी ने. क्या होता है हम जब भारत में पैदा हुए थे तो माँ ने मुझे हिंदी सिखाया लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे फॉरेन जाना है तो मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा. इंग्लिश सीखने के बाद आपको इंग्लिश का वाइब्रेशन आने लगा क्योंकि जहां जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं जैन धर्म में लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव. जैसा द्रव्य होगा वैसा ही भाव होगा. संस्कृत हमारी संस्कारों की लैंग्वेज है और एक बार हमें भाव नहीं बनेगा कोई बात नहीं, दो बार नहीं बनेगा. हम लोग भी इंग्लिश पहले पढ़ते थे तो सिर्फ हम लोग याद करके पोएम लिख के जाते थे, पोएम याद करके जाते थे, ऐसे याद करके जाते थे, उसका समझ में आए ना आए लेकिन हम पूरे याद करके ऐसे लिखते थे तो पूरे पूरे नंबर मिलते थे. हमको मेडिसिन के बारे में नहीं पता कि इस मेडिसिन के अंदर क्या है, क्या क्या मिला है और हम किस पर भाव करते हैं. डॉक्टर पर भाव करते तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है. इसी प्रकार से ये भक्तामर संस्कृत का ऐसा है जब हम धीरे धीरे इसको वाइब्रेट करेंगे और इसको एक एक चीज के अर्थ के बारे में बताएंगे तो हम उस अर्थ से अपने आप अर्थ तक पहुंच जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पावर है. आप इसको अर्थ समझना चाहते हैं तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर वाले बाबा, उसमें है फार्मूला दिया मैंने संस्कृत भक्तामर सीखे कैसे. अभी मैं कुछ समय के बाद अगर आप मुझे कभी मेरे पास टाइम होगा, अभी मैं मौन में जा रहा हूँ. अब मैं 16 तारीख को आपको मिलूंगा, 15 तारीख को, 9 तारीख तक 15 तक मेरा मौन रहेगा. तो अब एक ट्रिक है, मैं आपको 7 दिन के अंदर संस्कृत भक्तामर सिखा दूंगा, ओनली 7 डेज. और सबका वाइब्रेशन कैसे होगा वो वाइब्रेशन भी आपको बताऊंगा. ठीक है राजीव जी, हमारे जो पहले लीना जी जुड़ी थी, वाइब्रेशन मैं चाहता हूँ हम अपनी लैंग्वेज को क्यों हटाए. एक चीज बहुत मजे की बता रहा हूँ, देखिए बाइबल को पढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगी, कुरान को पढ़ने के लिए हमें उर्दू सीखना पड़ेगी जी, और हमको भागवत पढ़ने के लिए संस्कृत सीखना पड़ेगी और जैन धर्म को पढ़ने के लिए हमें प्राकृत और संस्कृत सीखना पड़ेगी. जी समझ आना चाहिए. लाइक मेरे को तो ये लगता है कि आपको समझ आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो. जो चीज हम बार बार करते हैं ना अपने आप समझ में आता है. जैसे हम कहीं हम पहले नए जॉब करते हैं कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम जब उसमें लग जाते हैं तो वो चीज धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगती है. और हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे घर में कार होती है, कार खड़ी है तो हम कार चलाना सीख जाते हैं. जी बिल्कुल, ठीक है ना. ऐसे हमारे घर में भक्तामर होगा और संस्कृत का अपने हाथ में होगा तो हम उसको पढ़ना भी सीख जाएंगे और उसकी वाइब्रेशन भी अपने आप धीरे धीरे जाएगी. तो मैं चाहता हूँ अपनी जो चीज भगवान ने दी है, मान तुंगाचर ने दी है, उसे प्रसाद समझ के उसे ग्रहण करें. मैं चाहता हूँ लीना जी भी साथ में संस्कृत में पढ़े. महाराज जी हम लोग रोज सुबह भक्तांबर लगाते हैं घर में, रोज सुबह मतलब बहुत सालों से, पर याद नहीं हुआ पूरा अभी. और तभी होगा जब जब समझ आएगी. आप मुझे 7 दिन का समय देना, कभी मुझे समय मिलेगा ओनली 7 डेज के अंदर एक एक आपको ट्रिक बता देंगे, आपको ऑटोमेटिक वाइब्रेशन आने लगेगा और आपको अच्छा लगेगा कि कितना पावर है भक्तांबर के अंदर. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. और कुछ प्रश्न है? ठीक है, मांगलिक सुना देता हूँ. ठीक है, सभी के लिए मांगलिक सुनाता हूँ. एक बार मेरा वीडियो ऑन कर दो अंजलि जी. नमोस्तु महाराष्ट्री जी. दीपा जी बोलिए. आपका आज पहली बार मैंने प्रवचन और ये सब भक्तांबर की जानकारी प्राप्त की, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. मैं भी भक्तांबर हीलर हूँ लेकिन आपने जो जानकारी दी वो बिल्कुल नई और अद्भुत है. तो मैं भी आपके संपर्क में रहना चाहूंगी कि आपका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. मैंने पहले बोल दिया जो भी हीलर कर रहे हैं सब लेडीज हीलर हैं. हाँ जी, तो मान दूंगा. आचार्य ने 22 नंबर काव्य में बता ही दिया है कि जो कुछ भी होगा पंचम काल में स्त्रियों के माध्यम से होगा. जब भी सूर्य निकलेगा
पूरब से निकलेगा तो जब भी संस्कार मिलेंगे स्त्रियों से ही मिलेंगे। स्त्रियां ही इस पंचम काल का सूर्य है जो अपने घर में सूर्य जैसे पुत्रों को पैदा करती है। थैंक्स अंजलि मुझे जोड़ने के लिए। जी भाभी जी ठीक है। अंजलि जी आशीर्वाद। और कुछ बोलना अंजलि जी? जी अजरे श्री बस आपका बहुत बहुत आभार आपकी अनुमोदना और हम इसी तरीके से आपकी छत्र छाया में जानकारी प्राप्त करते रहें, आपसे अच्छा अच्छा भक्तांबर जी पढ़ना सीखें और हीलिंग कैसे देते हैं हम इसके अंदर और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें। मांगलिक सुनाता हूँ सभी को। संस्कार सागर महाराज जी हमारे साथ की इधर से नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। महाराज जी महाराज जी आप पेंडारी के यहाँ पे उतरे थे जब हम आए थे दर्शन के लिए। अच्छा जी को भी एक बार स्पॉटलाइट पे करिएगा। महाराज जी जय अंकल को ले लीजिए। जय नमस्ते महाराज जी। संदीप भैया की इससे भी नमस्ते महाराज जी। चारू दीदी संस्कार सागर महाराज जी है हमारे साथ में। स्पॉटलाइट पे करिए अंजलि जी एक बार स्पॉटलाइट पे करिए वर्षा जी को संस्कार सागर महाराज जी के भी दर्शन। संस्कार सागर महाराज जी नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आशीर्वचन भी देखिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ऐसे ही देखना लोगों का जो स्वास्थ्य वगैरह में लाभ हो सब प्रसाद करो। अंजू दीदी। हां जी जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र अंजलि जी सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। पूरा परिवार सब आपके फैन हो गए हैं हमारे। नहीं नहीं दीप्ति भाभी विजय अंकल प्रणाम आपको। आज हमारे वैंकूवर का सेंटर इनॉग्रेशन सिर्फ और सिर्फ विजय अंकल की मेहनत जील एंथुसियाज्म। विजय अंकल ने मेरा 3 डेज वर्कशॉप भी वैंकूवर में कराया था। आप नागपुर भी आए थे और मेरे ससुर जी हमारे अंजलि जी मंजू दीदी सबको पड़गान दिखा देते हैं गुरुवार उस पे निकल रहे हैं आहार के लिए। बिल्कुल आप लोग देखना चाहें तो गुरुवार आहार के लिए निकल रहे हैं। जी दीदी बस ये देखिए अब मुझे मैं आपको करती हूँ एक मिनट। हाँ दिखाइए दिखाइए ये पड़गान के लिए खड़े हैं सारे लोग। मैं दानिश के मंदिर में हूँ। ये सारे लोग हैं जो पड़गान के लिए खड़े हुए हैं। संस्कार स्पॉटलाइट कीजिए अंजलि जी। स्पॉटलाइट पर ही है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 वचन शुद्धि
काय शुद्धि नमोस्तु महाराज जी महाराज जी वर्षा जी को स्पॉटलाइट पे दीजिए महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु ये देखिए सारे लोग विधि विधि बदल रहे हैं यालम नमो बजायालम नमलोय सब साहुलम नमो हरिताणम नमो सिलिताणम नमो हरियाणम नमो बजायालम नमलोय सब साहुलम नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु चारू दीदी जय जिनेन्द्र मंजू दीदी जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र मंजू दीदी चारू दीदी सबको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को हमने भी संस्कार स्वागत वैशाली जी आ जाइए संस्कार सागर महाराज के चौके के लिए हमने दिए आहा दे दिए साकेत नगर मंदिर में आए थे महाराज जी को विहार भी करवाया था अभी तो चौमासा हमारे मंदिर में हो रहा है प्रणाम सागर महाराज जी भी साकेत नगर मंदिर में आ चुके हैं उनको भी आहा दे चुके हुए प्लीज सब लोग चुप हो जाइए एक बार प्लीज मंजू दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार मंजू दीदी किधर मंजू दीदी लीव कर गई क्या शायद एक मिनट देखते हैं दिख नहीं रहे हम तो वीडियो स्टिल हो रहा था बार बार दीदी नहीं है नहीं है अभी अभी लीव हुई तुरंत वीडियो का स्टिल हो रहा था शायद नेटवर्क उनका चला गया क्या जी हमारे बीच में ऋषभ जी हाँ ऋषभ भैया आए हैं ऋषभ भैया जय जिनेन्द्र हाँ जय जिनेन्द्र बारम्बार जय जिनेन्द्र सभी को सभी को ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में ऋषभ भैया हैं जयपुर से और ये भक्तांबर जी का बहुत ही अच्छा वाचन करते हैं तो भैया आज हम पे समय की थोड़ी सीमा है तो थोड़े से मेन श्लोक मैं चाहूंगी आप भक्तांबर जी के सभी को अच्छे से सुनाइए थोड़ा सा हाँ मैं तो वही भक्तामर जैसे होता है वैसे ही मैं तो भगवान की आराधना करता हूँ आपको अच्छा आपके भाव इतने उज्जवल होते हैं कि वो आपको इतना अच्छा लगता है कि इसका तो बस वो आपके भाव है इसमें मेरा कुछ भी नहीं चलिए ठीक है अब आप हाँ ये मेरा अहो भाग्य है जो अंजलि दीदी ने मेरे को यहाँ पे मतलब ऐसा यहाँ पे भक्तामर की आराधना करने के लिए कहा ये मेरा अहो भाग्य चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे अहो प्रभु अहो प्रभु अहो प्रभु सारे संसार के दुखों का नाश करने वाले प्रभु हे धैर्य धारण करने वाले विभो सारे संसार में सुख की प्राप्ति कराने वाले प्रभु आपको मेरा नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो तुभ्यं नमः स्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय
तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मै। आचार्य श्री कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान की आराधना करेगा, पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में जाएगा, तो मतलब वो जो सिंहासन नामक प्रतिहारे का वाचन करेगा, गायन करेगा, आराधना करेगा, अरे भाई उसको भी सिंहासन मिलने वाले हैं, उसको भी बड़ी बड़ी पोस्टें मिलने वाली है, वो जो भी काम करेगा उसमें उसको ऊंचाई मिलने वाली है। लेकिन आचार्य श्री फिर एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञानी जब भी तेरे को ऊंचाइयां प्राप्त हो जाए तो एक बात का अवश्य ध्यान रखना और शांतिनाथ भगवान की एक माला हमेशा फेरते रहना। क्या? अहो शांतिनाथ भगवान, अहो शांतिनाथ भगवान, मुझे पद देना मद मत देना। अहो शांतिनाथ भगवान, मुझे पद देना मद ना देना प्रभु, क्योंकि मद आ गया तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। रक्ते क्षणम समद को किल कंठ नीलम क्रोधो ततम फणिणमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कः त्वन्नाम नागदमनि व्रदियसपुंसः। हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य है कि जो भगवान की चरणों में जाता है, भगवान की आराधना करता है, उसके सामने वो काला सर्प जिसकी आंखें लाल लाल हो रही हो, हुंकार भर रही हो बार बार, उसकी जिसकी कोयल जैसी भयंकर गर्दन हो, बार बार आपको देख के आपको डराने की कोशिश कर रहा हो, वो काला सर्प भी यदि आपके सामने आ जाए, जिनेंद्र भगवान के भक्त के सामने आ जाए, तो वो उसे लांग करके चला जाता है। परंतु नाथ, अहो नाथ, अहो नाथ, जो मेरे मन के अंदर जो काला नाग है, जो मुझसे काम क्रोध मान माया लोभ आदि करवा रहा है, वो मुझसे दूर हो जाए नाथ, वो शांत हो जाए, वही तो वो सर्प है जो मुझे भगवान से दूर कर रहा है। और सीधे चलते हैं 45वें श्लोक पर। अहो प्रभु, संसार सागर में जितने भी रोगी हो रखे हैं, वो सभी स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं, सभी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएं नाथ, सभी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत् पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्यार्भवन्ति मकरः ध्वज तुल्य रूपा। आचार्य श्री फिर कहते हैं कि ज्ञानी देख, हीलिंग विलिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ यदि भगवान के चरणों में जाके भक्ति के रस में तू डूब जाएगा, तो जो तुझे कर्म, जो तेरे कर्म तेरे को बांधने आए हैं, जो कर्म तेरे को डराने आए हैं, जो जिसने तेरे को परेशान कर रखा है, अरे वो कर्म तुझसे इतने दुखी हो जाएंगे, वो खुद ही कर्म तेरे को छोड़ के भग जाएंगे। भगवान की भक्ति के रस में तो वो आनंद है। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम्
शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो अक्कीर्ण महान साणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। समता समता समता, आज तक के इतिहास में आप देखेंगे तो अब तक के तीर्थंकरों में यदि सबसे ज्यादा समता किसी के पास थी तो वो पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान सीधे चलते हैं स्वर्ण भद्रकूट सम्मेद शिखर। आहा, अभी आप सभी होकर आए हैं मुझे मालूम है, सीधे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कि हे नाथ वो थोड़ी सी समता हमें भी दे दो। हल्का सा कोई कुछ कर देता है हमें, हमें कितना क्रोध आ जाता है, हमारा शरीर कंपन होने लगता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है। प्रभु मैं क्रोध करना नहीं चाहता, आपको 10-10 भवों तक वो कमट कितना परेशान करता रहा लेकिन आपने कभी उसको पलट के जवाब नहीं दिया। अगर आप उसको पलट के जवाब दे देते तो आप पार्श्वनाथ कैसे बनते नाथ, मैं तो आपका जैसा बनने आया हूँ नाथ। स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुण निर्बधा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गता मजस्त्रम तम मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। जो भगवान के चरणों में जाता है, भगवान की आराधना करता है, सम्यक्त को प्राप्त होता है और भक्तामर स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है। अरे भाई सांसारिक मानसिक, अरे ये कुछ भी नहीं, जैसे खेत में गेहूं का धान उगता है साथ में जो झाड़ उगती है वो है, अरे परम मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलती है उसे, तो परम मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलती है। हे नाथ मैं भी आपका जैसा बनना चाहता हूँ नाथ। हाँ नाथ मैं भी कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी मान नहीं करूंगा, दुराभिमान नहीं करूंगा, मैं तो आपका जैसा बनना चाहता हूँ नाथ। आपके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी आपका धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप ऐसे मेरे को बता देते हो तो मैं आ जाता हूँ और मैं भी अपनी धन्यवाद। आज हमारा टाइम काफी ज्यादा। भैया बहुत अच्छा बोला है ऋषभ भैया, वेरी नाइस। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अभी अभी हम लग बहुत टाइम हो गया है सेशन को ऋषभ भैया, धन्यवाद। लोग अपना शेड्यूल थोड़ा सा एक घंटे का ही लेके आए थे तो जिनवानी स्तुति के लिए मैं इंदिरा जी को इनवाइट करना चाहूंगी जैन सेंटर बीसी से। जय जिनेन्द्र। इंदिरा जी हैं? इंदिरा जी जय जिनेन्द्र। इंदिरा जी एड्रेस कीजिएगा। आईफोन के नाम से है वो, आईफोन के नाम से। अंजना जी जय जिनेन्द्र। एक मिनट अंजना जी जी इंदिरा जी, इंदिरा जी को आप कर दिया स्पॉटलाइट होगी आप गिव मी अ मिनट मिनट मैं उनसे वो आई थी लेकिन तो उनका काफी लेट हो गया तो शायद उन्होंने लीव कर दिया मीटिंग। जय जिनेन्द्र, मैं इंदिरा बोल रही हूँ। इंदिरा जी इज हियर, सॉरी सॉरी फॉर दैट। स्पॉटलाइट है इंदिरा जी आप। ओके ओके जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र जी जी, मैं त्यात्वन मैं जिनवाणी बोल रही हूँ अभी जी। स्तुति मैं त्यात्वनास वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आर्य पर वास वे को भानु सी बखानी है चहु द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिचान वे को परम परमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहु न सताए वे को अव्य उर आनी है
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जीन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो टोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच इंद्रा जी। जय जिनेन्द्र। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट। सॉरी फॉर लेट, थोड़ा सा हमारा सेशन आज लंबा हो गया क्योंकि आज फर्स्ट डे है। या आप सबकी मैं बहुत प्रार्थना भी करना चाहूंगी और सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग आए, सेशन एंजॉय करा आप लोगों ने। और मैं ऐसी भावना भाती हूँ कि आप सब लोग इस सेशन से जुड़े जिससे कि सभी को भक्तांबर जी की ऊर्जा का लाभ प्राप्त हो। बस मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए, और जिन जिन लोगों को आप सोचते हैं कि इन सबको भक्तांबर जी की ऊर्जा का लाभ प्राप्त होना चाहिए, आप सभी को जोड़िए। और विजय जैन जी, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आपके ही प्रयासों से यह सब संभव हो सके। अंजलि जी, वैंकूवर वालों को इंट्रोड्यूस करा दो, अंजना जी को और उनको दो उनको बस। जी 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 जी, अंजना जी, अंजना जी करा देंगे जी। हाँ जी, हाँ जी जी। अंजलि जी आप क्या बोल रहे थे? सॉरी आई बेग यू। नहीं नहीं, मैं अंजलि बेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपकी जो प्रेरणा और आपकी जो लगन है वो मेरी प्रेरणा बनी हुई है। तो आप ऐसे ही काम करते रहें और बहुत अच्छा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम और भी सेंटरों से जुड़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जितना मुझसे बनेगा मैं और लोगों से आपका जुड़ाऊंगा। और आचार्य श्री ने जितनी इतना अच्छा प्रवचन दिया है वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। और मैं चाहता हूँ कि हम हर दो वीक में या मंथ में एक बार उनके पास, समय बहुत बहुमूल्य है उनका, तो यदि जो भी पॉसिबल होगा तो हम चाहेंगे कि उनसे जुड़े रहें और उससे सभी को शक्ति मिलेगी और सभी को लाभ होगा। और मंजू जी आई थी, मैं बात नहीं कर पाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन औरों के लिए समर्पित होता है और वो उनमें से एक हैं। ऐसे लोग बहुत कम धरती पे दिखाई देते हैं, तो मेरा उनको नमन, को मेरे से छोटी हैं पर मैं उनको फिर से नमन करता हूँ क्योंकि जो उनकी भावना, जो प्रेरणा है वो बहुत ही, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। अब वैंकूवर में जो अंजना जी हैं उनको भी बहुत लगन है, अंजना जैन, और ये यहाँ की इंचार्ज हैं। और मैंने इनसे बस एक बार बोला, बोले अंकल आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा। तो ऐसे लोग भी हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो बिल्कुल समर्पित हैं और कमिटेड हैं। तो मैं अंजना का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बेटे आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी सूचना दें, यदि लोग आपसे जुड़ना चाहें तो किस नंबर पे जुड़ सकते हैं और ज्यादा जानकारी कैसे ले सकते हैं, तो प्लीज अपने बारे में बताइए। जय जिनेन्द्र सबको। मेरा नाम अंजना जैन है, मैं बेसिकली राजस्थान उदयपुर से हूँ। मैं 3 साल पहले यहाँ के जैन सेंटर से जुड़ी, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे परिवार से ही जुड़ रहे हैं। आते ही सबसे पहचान हो गई और सब मिल गए। तो विजय अंकल ने जैसे मुझे बोला कि मंजू जैन जी हैं, क्योंकि उनका नाम तो इतना सुन रखा था भक्तामर के लिए, तो फिर मैंने कहा कि मुझे, मैं एक ही बार में मैंने हाँ बोल दी कि मुझे तो इनसे जुड़ना ही है। फिर अंजलि से, मैं अंजलि जी जो दिल्ली में रहते हैं उनसे कांटेक्ट करवाया विजय अंकल जी ने, और हम लोग टच में आए। फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ का काम देखिए। तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ।
और ये तो भगवान का काम है और एक हीलिंग देना मैं तो मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब क्या मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं सीखूंगी साथ के साथ और लोगों को जोड़ने की पूरी पूरी ट्राई करूंगी। धन्यवाद। मैं अब मेरे शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र सबको। अंजना जी ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा मोटो निकले, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं आपके। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके बेटे आप अपना फोन नंबर दे दें अंजना, जिससे लोग आपसे जुड़ सकें। वैसे फ्लायर पे मेरा फोन नंबर लगा हुआ है जो अंजलि जी ने जो बनाया है फ्लायर, उसपे मेरा नाम और मेरा फोन नंबर डाला हुआ है, कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरे बेटे हर एक के पास फ्लायर नहीं होगा बेटे, तो आप एक बार रिपीट कर दें। और एक मिनट, मुझे मेरा नाम नंबर अभी भी चेंज हुआ है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं चैट में भी डाल दूंगी, चैट में 2 मिनट में। मेरा नंबर है 236। अच्छा ये कनाडा का नंबर है तो +1 लगेगा आगे, +1 236 979 2195। मैं रिपीट करती हूँ, +1 236 979 2195। ये मेरा नंबर है और अगर किसी को भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो एनी टाइम यू कैन क्वेश्चन। और जो हमने यहाँ पे जैन सेंटर ऑफ बीसी में जो ग्रुप का नाम है वो बताइए, जो हमने भक्तांबर ग्रुप बनाया है। यहाँ पे भी एक भक्तांबर का ग्रुप बना हुआ है जिसका हमने नाम रखा है भक्तांबर बीसी जैन सेंटर, और जो ये दिल्ली में जो ये भक्तांबर ऊर्जा केंद्र है उसी का ये हिस्सा है आप ये कह सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप अपना मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और मैं इस ग्रुप से आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी। That's like our Jain BBC. Yes. अंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। थैंक यू। आपका थैंक यू, मैंने तो अभी शुरू ही किया है तो अभी शायद मैं धन्यवाद की हकदार नहीं हूँ। नहीं, नहीं। अभी तो जस्ट इनिशियल है, अभी तो लेट्स सी क्या होता है। अंजना जी ऑल द बेस्ट, आप एक कार वाले के निकल गए, देखिए सब पीछे आएंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, सारे लोग पीछे आने शुरू हो जाएंगे। नहीं पीछे नहीं, मुझे सबका साथ चाहिए, सब लोग साथ रहेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे सब। मंजू दीदी ने भी एक दिन कारवा ऐसे ही शुरू किया था अकेले आज से 12 साल पहले। वो सोचो हमें तो तभी एक प्लेटफॉर्म में, मंजू दीदी के पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने कैसे प्रूव किया होगा, है ना? सही है। तो उसके पीछे हम पूरा ग्लोबल भक्तांबर चल गया है, आपके पीछे भी ऐसे सारे लोग हैं। बिल्कुल वो मत कीजिए, अच्छे से कीजिए। धन्यवाद मेरे में इतना फेथ रखने के लिए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद, स्पेशली विजय जैन जी प्रेसिडेंट ऑफ जैन सेंटर बीसी। अरे नहीं बेटे जी, मुझे धन्यवाद नहीं, ये तो सभी के लिए है। तो विजय सर आपका भी नंबर बोल दीजिए, वो यहाँ डाल देते हैं चैट में जिनको चाहिए होगा। नहीं इनका नंबर मेरे पास है, मैं अरेंज कर लूंगी वो। ये मेरी प्रिय साली हैं। तो ये अंजलि जी, हाँ इनका मेरे प्रति काफी स्नेह है, तो आप जरूर इनसे ही कांटेक्ट करें और मैं इनके थ्रू आपसे जुड़ जाऊंगा। धन्यवाद, शुभरात्रि, जय जिनेंद्र। अब हम बड़े बाबा की जाप से, बड़े बाबा की जाप से अपने सेशन का मंगल करेंगे। और नेक्स्ट संडे, वैंकूवर का नेक्स्ट संडे रात को 8 बजे और इंडियन टाइम के अनुसार मंडे सुबह 8:30 बजे हम फिर जुड़ेंगे एक बार। तो आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर जुड़िए। प्लस का साइन क्या होता है जी? जी 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 एकता जी, सभी लोग अपने मस्तक पे और हृदय में आदिनाथ प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा को विराजमान कर लें और फिर उनका ध्यान करते हैं।
ओम रीम श्रीम श्रीम बड़े बाबा सुनना 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 ओम रीम श्रीम श्रीम बड़े बाबा और हम नमा बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय भक्तांबर महास्त्रोत की जय आचार्य मानतुंगाचार्य जी की जय सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र सभी को जय दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना अच्छा अपने प्रज्वलन करके हमें भक्तांबर जी के विषय में बताया जय जिनेन्द्र बस सुन के नारू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कोई धन्यवाद नहीं दीदी आपकी आपकी जलाई हुई दीपक कितनी रोशनी फैला रहा है चारों तरफ एक किरण अंजलि जी निकली उधर फैलना शुरू हो गया बैंक पर मतलब वो किरण कितनी मैं वही बोलती थी ना सरार की मैं आप कितने ऊपर हो आप ऊपर जाओगे तो हम सारे नीचे हैं आपके हर हर किरण के पास अपना एक सूर्य है एक सूर्य है बिल्कुल बिल्कुल बस अभी दीदी पुणे में शुरू करना है जल्दी बिल्कुल फुल गैलेक्सी ऑन पुणे बिल्कुल बिल्कुल पुणे में अभी हम रेडी है बस आपका आशीर्वाद चाहिए बिल्कुल ज्योति जी अभी तो पुणे में आपने बोला था तो मुझे एकदम ध्यान है शुरू करना है पुणे में भी और वहां पर सेमिनार करना है एक फिजिकल सेमिनार तो बिल्कुल होगा ज्योति जी आप अभी ज्योति जी मिली थी हम लोगों को तो अचानक मिल गई थी ज्योति गांधी जी आप अरेंज कर लीजिए पुणे तो फिर मैं भी आ जाऊंगी हाँ बुलाया दिवाली के बाद हम और वैशा जी आएंगे दीदी ने अभी दिवाली के बाद पक्का प्रोग्राम है पुणे में अभी बिल्कुल बिल्कुल बस हम लोग आते हैं फिर वहाँ पे दिवाली के बाद आप सबको आना है बिल्कुल वैशा दीदी टाइम रखना आप भी बिल्कुल बिल्कुल मुझे बस 8-10 दिन पहले बता देना बिल्कुल आ जाऊंगी पुणे तो बस 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 पक्का पक्का दीदी आप म्यूट हो गए बिल्कुल हाँ इसी के साथ हम अपना सेशन मंगल करते हैं सभी को एक बार जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को सभी गुरुओं को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र दीदी धन्यवाद अंजलि जी आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के सेशन की बधाई हो दीदी जय जिनेन्द्र दीदी अंजलि दीदी आपकी वर्षा दीदी मेनी कांग्रेचुलेशंस अंजलि दीदी आपके पीछे दीदी का वो लगा है ना देखो सबको दिख रहा है दिया इसका आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर बिल्कुल चमक रहा है मिल गया ना आशीर्वाद बस ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे आपके साथ हम भगवान से ही प्रार्थना करते बिल्कुल बिल्कुल अभी और भी बहुत सारे बनेंगे अभी तो बढ़ना है दीदी को आगे बढ़ना है